पहले से ज्यादा ताकतवर है। गाइस, होशियार रहना। क्रोश अटैक। This channel does not promote or promotion any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप किस्टो टोमी की फैन हो और उलू जुकू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किस्टो टोमी की द्वारा लिखित और निर्देशित उलू जुकू एक भावनात्मक अंतधारा पर आधारित फिल्म है जिसमें केरल में बाढ़ की स्थिति का रूपात्मक चित्रण किया गया है। कहानी लीलमा और उनकी बहू अंजी विश्वास घास्ते पर देखने की सीखती है ताकि यह समझ सके कि सच्चा प्यार क्षमा और स्वीकृति है। समीक्षा और इसी कितनी तारीखों से दुख देख सकती है। अभिनेत्री अपने जबरदस्त रेंज एक और फिल्म के लिए ही उलू जुकू मूवी रिव्यू के लिए ही उलू जुकू फिल्म समीक्षा उरियसी का दमदार अभिनय इस भूतीय नाटक को आगे बढ़ाते हैं अपडेट किया गया। प्रकाश उरियसी और पार्वती थिरुवुथु के प्रभावी अभिनय के निर्देशन किस्टो टोमी की पहली फिल्म को रहस्य गलतियों और मोशन पर एक मनोरंजन नाटक बना दिए। उलू जुकू में हर कोई किसी न किसी तरह से फंसा हुआ है, यहाँ तक कि एक मृत शरीर भी कई दिनों तक दफन नहीं हो पाता है क्योंकि बाढ़ के पानी की कब्रिस्तानों को डुबो दिया है। जीवित लोगों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। अंजू पावित्री थिरुवुथु और उसकी सास लीलामा उरियसी की एक ऐसे जीवन में है जिसे उन्हें नहीं चुना है। एक ने पारिवारिक जीवन के संघर्षों को झेलते हुए इसे स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि उस जीवन शैली को बचाने के लिए तरस रही है, जबकि दूसरी में अभी भी इससे बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने की थोड़ी हिम्मत बची हुई है। वे भी सचमुच फंसे हुए बैक वाटर में एक द्वीप पर आने घर पर जिसमें बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और देश की नाव बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र साधन है। कम संवेदनशील लेखक के हाथों में यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ से एक खलनायक को उजागर किया जा सकता है और उस पर उंगलियां उठाई जा सकती है क्योंकि अंजू और लीलमा दोनों के अपने अपने गृह क्षेत्र हैं। उलू जुकू के केंद्र में सृष्टि ऐसी ताकी झाक करने वाली YouTube चैनल पर इस पर नज़र रखने के लिए कूद पड़ेंगे और दोनों पक्षों के लोगों की निंदा करने वाली व्यूज़ और कमेंट्स बटोरेंगे। लेकिन नवोदित लेखक और निर्देशन किस्टो टोमी की तरह दूसरे पक्ष के लिए थोड़ी संवेदनशीलता और खुले विचारों से बहुत फर्क पड़ते हैं। भले एक निर्यान की दरअसल एक पक्ष या दूसरे पक्ष को लेता है, टोमी ऐसी गुनाहों को बिगाड़ने के लिए थोड़ी जानकारी देते हैं। कहानी लंबे समय से दबे हुई रहस्य तक सामने आती है जब एक परिवार अपने प्रियजन की अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन बढ़ती बाढ़ के पानी के कारण इसमें देरी हो जाती है। जैसे कि वह दूसरी जिसमें लीलमा अंजू से अपनी युवावस्था के दिनों के बारे में
खुलकर बात करती। जब वह एक अनिच्छुक दुल्हन थी और उसके सपने दफन हो गए थे, ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर सब कुछ दफन कर दिया था और खुद को भ्रम खुशी के में विश्वास दिला लिया था। जब तक कि सालों बाद उसका सम्मान अंजू से नहीं हुआ, जो एक अलग तरह की दुविधा में फंस गई थी। उसकी ओर से यह समझ दो महिलाओं के बीच विकसित होते रिश्ते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, जो उन दर्दनाक रहस्यों से चिन्हित है जिन्हें वे एक दूसरे से छिपाती। उलू जोकू अंडरक्रंट एक ऐसी फिल्म के लिए बिल्कुल उपयुक्त सेंस है, जो अपने पत्रों की दोस्ती रहस्यमय मन से स्थितियों में करुणाकरण अपने पैर जमाती है। शुरुआती में टॉमी हमें इस रिश्ते के बीच में ले जाने की जल्दी में लिखते, क्योंकि कुछ बुद्धिमाने से संपादित क्षणों में वह लक्ष्यहीन संघर्षशील राजीव अर्जुन राधा कृष्णा के साथ अंजू के गुप्त रोमांस थम्सकूटी प्रशांत मुरली से उनकी शादी और थम्सकूटी की दुबल करने वाली बीमारी को जल्दी से जल्दी दिखाते हैं। फिर फिल्म दीवार घड़ी की आरामदायक गति पकड़ लेती है, जिसे हमें अनिश्चितता और दर्द का एहसास होता है जो नीचे उबल रहे हैं। उर्यशी के अलावा कोई भी व्यतीत इन असंख्य भावनाओं को उतनी अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर सकता, जितने कि नियंत्रित अभिनय की उत्कृष्ट कृति में सूक्ष्म हाव भावों में हाव भाव के उपयोग से एक विनाशकारी प्रभाव पैदा कर दे। कई बार यह हमें उसके पक्ष में खड़ा कर देता है, भले ही हम उसे असहमत हो। पार्वती ने भी कुछ समय बाद मलयालम सिनेमा में वापसी करते हुए एक प्रभावी अभिनय किया। प्रशांत को अभिनय के लिए कुछ गुंजाइश मिल गई, जबकि एक क्षमक की सक्षम अभिनेता अर्जुन राधा कृष्णा को सीमित अवसर मिल गए। शहनाज जलाल ने फिल्म के मूड को उसकी उदासी भरी महिमा में कैद किया गया। सिख पर कुछ सुविधाजनक मोड़ लेती है, खास तौर पर लीलामा का बदलाव और एक किरदार की जमीन की आर्थिक मांग और कुछ सामान्य रूप से जल्दबाजी में कही गई बातें जो पूर्व निर्धारित चरमोत्कर्ष तक पहुंचने के लिए, लेकिन जिस दिल के साथ सही समय पर सही भावनाओं को उभारा गया, वो ऐसी छोटी छोटी बातों से पर देखने पर मजबूर कर दे। उलू जोकू के साथ क्रिस्टो टॉमी ने एक ऐसी फिल्म निर्माण के रूप में अपनी उपस्थिति की घोषणा की जिस पर नज़र रखनी चाहिए और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक और उलू जोकू के और सेन बॉर्ड के लिए ही नकारात्मक और बट नोट की अनहियर एक एस्टेन की परफॉर्मर की उलू जोकू अनदेखा लेकिन अनसुना नहीं। मलयालम सिनेमा की रोमांचकारी नए रतन में स्टैंड आउट कलाकार पावरेटी या उर्यशी नहीं बल्कि एक गुप्त तीसरी लीड है। उलू जोकू कुबलंगी नाइटस में लाई गई पंख जैसी तरलता से लेकर उनकी नीनल मुरली स्कूल के उत्साहपूर्ण रोमांस तक मलयालम सिनेमा के देशवारी सफलता में खुशहुसैन श्याम के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन दिनों भारतीय अभिनेताओं की उन भूमिकाओं के लिए प्रशंसा की जा रही है जिन्हें केवल वे ही ग्रह कर सकते हैं। पटकथा लेखक क्रूज पर सत्रित चित्रित करने के लिए खुद का पेट थपथपा रहे, दूसरी ओर फिल्म निर्देशन दर्शकों को यह समझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे कि वे अब अधिकारी में काम नहीं कर रहे, केवल हमें सैम बहादुर जैसी चीज़ें दिखाने के लिए, लेकिन वह एक अलग कहानी है। ढूंढ विश्वास अनयन और दूसरी जैसे शब्द लोकप्रिय शब्दावली में शामिल हुए, लेकिन उनका उपयोग आमतौर पर अभिनय के संदर्भ में किया जाता है। ऐसा लगता है कि कोई भी व्यतीत किसी भी व्यतीत के जटिल प्रदर्शन में योगदान देने वाले अन्य सभी फिल्म निर्माण उपकरणों को स्वीकार करने में रुचि नहीं रखती। बेशक इसके पीछे एक कारण है और हम इस पर एक मिनट में चर्चा करेंगे, लेकिन एक कलाकार नियमित रूप से मुख्य धारा की भारतीय फिल्म निर्माण की परंपराओं को चुनौती दे रहा है, जबकि रूसी रूप से सामग्री को उत्कृष्टता
दर तक बढ़ा रहा है जो अनैथिया नहीं पहुंच पाते। क्रिस्टो टॉमी की तरह निर्देशित नई मलयालम फिल्म उलोजो को एक ही क्लास टोपोबी के मनोवैज्ञानिक ड्रामा है जो दो महिलाओं के बारे में जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह की मानव निर्मित जेलों में फंसी हुई है। इसमें पार्वती थिरुवुथु और उरियसी की तरह कुछ भड़काऊ क्रेंदी प्रदर्शन है जो सदाबहार और जरूरी दोनों तरह से विषय है, लेकिन फिल्म का असली एमपीवी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है या कम से कम शून्य का सीमा के भीतर। सुशील श्यामो ने युग के लिए एक पृष्ठभूमि संगीत में गहरे अर्थविहित विचारों को लेते और उन्हें बल बल के साथ नहीं बल्कि एक धनुषकार भाव के साथ होठों के कोने पर एक मुस्कान और नाक की छिंद्र की एक ऐसी सिकुड़न के साथ सामने लाते हैं जिसे दिखाई देने से पहले महसूस किया जा सकता है। उनके स्कोर का प्रभाव ऐसा है कि इसे शायद फिल्म की तीसरी मुख्य भूमिका के रूप में चुना जा सकता है। यह अंजू पावरती और लीलामा उरियसी के साथ जगह के लिए संघर्ष करता है जब वे अपने मारते हुए परिवार के सदस्य के बारे में चिंता करते हुए एक जर्जर बिस्तर पर बैठी होती है। यह भी उनकी तरह सांस लेने के लिए संघर्ष करता है जब उसके मरने के बाद चीज़ें बहुत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप क्रिस्टो टॉमी की फ़ैन हो और उलोजो मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। क्रिस्टो टॉमी की द्वारा लिखित और निर्देशित उलोजो को एक भावनात्मक अंतधारा पर आधारित फिल्म है जिसमें केरल में बाढ़ की स्थिति का रूपात्मक चित्रण किया गया है। कहानी लीलामा और उनकी बहू अंजू विश्वास घास्ते पर देखने की शक्ति है ताकि यह समझ सके कि सच्चा प्यार क्षमा और स्वीकृति है। समीक्षा और इसी कितनी तारीखों से दुख देख सकती है। अभिनेत्री अपनी जबरदस्त रेंज एक और फिल्म के लिए ही उलोजो मूवी रिव्यू के लिए ही उलोजो फिल्म समीक्षा ओरियसी का दमदार अभिनय इस भूतीय नाटक को आगे बढ़ाते हैं। अपडेट किया गया प्रकाश ओरियसी और पार्वती थिरुवुथु के प्रभावी अभिनय के निर्देशन क्रिस्टो टॉमी की पहली फिल्म को रहस्य गलतियों और मोशन पर एक मनोरंजन नाटक बना दिए। उलोजो में हर कोई किसी न किसी तरह से फंसा हुआ है, यहाँ तक कि एक मृत शरीर भी कई दिनों तक दफन नहीं हो पाता है क्योंकि बाढ़ के पानी की कब्रिस्तानों को डुबो दिया है। जीवित लोगों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। अंजू पावरती थिरुवुथु और उसकी सास लीलामा उरियसी की एक ऐसी जीवन में है जिसे उन्हें नहीं चुना है। एक ने पारिवारिक जीवन के संघर्षों को झेलते हुए इसे स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि उस जीवन शैली को बचाने के लिए तरस रही है, जबकि दूसरी में अभी भी इसे बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने की थोड़ी हिम्मत बची हुई है। वे भी सचमुच फंसे हुए बैक वाटर में एक द्वीप पर आने घर पर जिसमें बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और देश की नाव बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र साधन है। कम संवेदनशील लेखक के हाथों में यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ से एक खलनायक को उजागर किया जा सकता है और उस पर उंगलियां उठाई जा सकती है क्योंकि अंजू और लीलामा दोनों के अपने अपने गृह क्षेत्र हैं। उलोजो के केंद्र में स्थिति ऐसी ताकि झाक करने वाली यूट्यूब चैनल पर इस पर नज़र रखने के लिए कूद पड़ेंगे और दोनों पक्षों के लोगों की निंदा करने वाली व्यूज़ और कमेंट्स बटोरेंगे। लेकिन नवोदित लेखक और निर्देशन क्रिस्टो टॉमी की तरह दूसरे पक्ष के लिए थोड़ी संवेदनशीलता और खुले विचारों से बहुत फर्क पड़ता है। भले एक निर्यान की दरअसल एक पक्ष या दूसरे पक्ष को लेता है, टॉमी ऐसी गुनाहों को बिगाड़ने के लिए थोड़ी जानकारी देते हैं। कहानी लंबे समय से दबे हुए रहस्य तक सामने आती है जब
एक परिवार अपने प्रियजन की अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन बढ़ती बाढ़ के पानी के कारण इसमें देरी हो जाती, जैसे कि वह दूसरी जिसमें लीलमा अंजू से अपनी युवावस्था के दिनों के बारे में खुलकर बात करती, जब वह एक अनिच्छुक दुल्हन थी और उसके सपने दफन हो गए थे। ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर सब कुछ दफन कर दिया था और खुद को भ्रम खुशी के में विश्वास दिला लिया था, जब तक कि सालों बाद उसका सम्मान अंजू से नहीं हुआ, जो एक अलग तरह की दुविधा में फंस गई थी। उसकी ओर से यह समझ दो महिलाओं के बीच विकसित होते रिश्ते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, जो उन दर्दनाक रहस्यों से चिन्हित है जिन्हें वे एक दूसरे से छिपाती। उलू जोको अंडरक्रंट एक ऐसी फिल्म के लिए बिल्कुल उपयुक्त सीन्स है, जो अपने पत्रों की दोस्ती रहस्यमय मन से स्थितियों में करुणाकरण अपने पैर जमाती है। शुरुआती में टॉमी हमें इस रिश्ते के बीच में ले जाने की जल्दी में देखते, क्योंकि कुछ बुद्धिमानी से संपादित क्षणों में वह लक्षहीन संघर्षशील राजीव अर्जुन राधा कृष्णा के साथ अंजू के गुप्त रोमांस थम्सकूटी प्रशांत मुरली से उनकी शादी और थम्सकूटी की दुबल करने वाली बीमारी को जल्दी से जल्दी दिखाते हैं। फिर फिल्म दीवार घड़ी की आरामदायक गति पकड़ लेती है, जिसे हमें अनिश्चितता और दर्द का एहसास होता है जो नीचे उबल रहा है। उर्यशी के अलावा कोई भी व्यतीत इन असंख्य भावनाओं को उतनी अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर सकता, जितने कि नियंत्रित अभिनय की उत्कृष्ट कृति में सूक्ष्म हाव भावों में हाव भाव के उपयोग से एक विनाशकारी प्रभाव पैदा कर दे। कई बार यह हमें उसके पक्ष में खड़ा कर देता है, भले ही हम उसे असहमत हो। पार्वती ने भी कुछ समय बाद मलयालम सिनेमा में वापसी करते हुए एक प्रभावी अभिनय किया। प्रशांत को अभिनय के लिए कुछ गुंजाइश मिल गई, जबकि एक चमक सक्षम अभिनेता अर्जुन राधा कृष्णा को सीमित अवसर मिल गए। शहनाज जलाल ने फिल्म के मूड को उसकी उदासी भरी महिमा में कैद किया गया, सिर पर कुछ सुविधाजनक मोड़ लेती है, खास तौर पर लीलामा का बदलाव और एक किरदार की जमीन की आर्थिक मांग और कुछ सामान्य रूप से जल्दबाजी में कही गई बातें जो पूर्व निर्धारित चरमोत्कंश तक पहुंचने के लिए, लेकिन जिस दिल के साथ सही समय पर सही भावनाओं को उभारा गया, वो ऐसी छोटी छोटी बातों से पर देखने पर मजबूर कर दे। उलू जोको के साथ क्रिस्टो टॉमी ने एक ऐसी फिल्म निर्माण के रूप में अपनी उपस्थिति की घोषणा की जिस पर नज़र रखनी चाहिए और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक और उलू जोको के और सेन बॉर्ड के लिए ही नकारात्मक और बट नोट की अनहियर एक एस्टेन की परफॉर्मर की उलू जोको अनदेखा लेकिन अनसुना नहीं। मलयालम सिनेमा की रोमांचकारी नए रतन में स्टैंड आउट कलाकार पावरेटी या उर्यशी नहीं बल्कि एक गुप्त तीसरी लीड है। उलू जोको कुबलंगी नाइटस में लाई गई पंख जैसी तरलता से लेकर उनकी नीनल मुरली स्कोर के उत्साहपूर्ण रोमांस तक मलयालम सिनेमा के देशवारी सफलता में खुशहुसैन श्याम के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन दिनों भारतीय अभिनेताओं के उन भूमिकाओं के लिए प्रशंसा की जा रही है जिन्हें केवल वे ही ग्रह कर सकते हैं। पटकथा लेखक पुरुष पर सत्रित चित्रित करने के लिए खुद का पेट थपथपा रहे, दूसरी ओर फिल्म निर्देशन दर्शकों को यह समझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे कि वे अबाधिकारी में काम नहीं कर रहे, केवल हमें सैम बहादुर जैसी चीज़ें दिखाने के लिए, लेकिन वह एक अलग कहानी है। ढूंढ विश्वास अनयन और दूसरी जैसे शब्द लोकप्रिय शब्दावली में शामिल हुए, लेकिन उनका उपयोग आमतौर पर अभिनय के संदर्भ में किया जाता है। ऐसा लगता है कि कोई भी व्यतीत किसी भी व्यतीत के जटिल प्रदर्शन में योगदान देने वाले अन्य सभी फिल्म निर्माण
उपकरणों को स्वीकार करने में रुचि नहीं रखती, बेशक इसके पीछे एक कारण है और हम इस पर एक मिनट में चर्चा करेंगे, लेकिन एक कलाकार नियमित रूप से मुख्य धारा की भारतीय फिल्म निर्माण की परंपराओं को चुनौती दे रहा है, जबकि रूसी रूप से सामग्री को उत्कृष्टतर तक बढ़ा रहा है जो अनैथिया नहीं पहुँच पाता। क्रिस्टो टॉमी की तरह निर्देशित नई मलयालम फिल्म उलोजो को एक क्लास टोपोबी की मनोवैज्ञानिक ड्रामा है जो दो महिलाओं के बारे में जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह की मानव निर्मित जेलों में फंसी हुई है। इसमें पार्वती थिरुवुथु और उरियसी की तरह कुछ भड़काऊ क्रेंदी प्रदर्शन है जो सदाबहार और जरूरी दोनों तरह से विषय है, लेकिन फिल्म का असली एमपीवी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है या कम से कम सुनने का सीमा के भीतर सुशील श्यामो ने युग के लिए एक पृष्ठभूमि संगीत में गहरे अर्थविहीन विचारों को लेते और उन्हें बल बल के साथ नहीं बल्कि एक धनुष्कार भाव के साथ होठों के कोने पर एक मुस्कान और नाक की छिंद्र की एक ऐसी सिकुड़न के साथ सामने लाते हैं जिसे दिखाई देने से पहले महसूस किया जा सकता है। उनके स्कोर का प्रभाव ऐसा है कि इसे शायद फिल्म की तीसरी मुख्य भूमिका के रूप में चुना जा सकता है। यह अंजू पावरती और लीलामा उरियसी के साथ जगह के लिए संघर्ष करता है जब वे अपने मारते हुए परिवार के सदस्य के बारे में चिंता करते हुए एक जर्जर बिस्तर पर बैठी होती है। यह भी उनकी तरह सांस लेने के लिए संघर्ष करता है जब उसके मरने के बाद चीज़ें बहुत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप क्रिस्टो टॉमी की फ़ैन हो और उलोजोको मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। क्रिस्टो टॉमी की द्वारा लिखित और निर्देशित उलोजोको एक भावनात्मक अंतधारा पर आधारित फिल्म है जिसमें केरल में बाढ़ की स्थिति का रूपात्मक चित्रण किया गया है। कहानी लीलामा और उनकी बहू अंजू विश्वासघात पर देखने की सीखती है ताकि यह समझ सके कि सच्चा प्यार क्षमा और स्वीकृति है। समीक्षा और इसी कितनी तारीखों से दुख दिख सकती है। अभिनेत्री अपनी जबरदस्त रेंज एक और फिल्म के लिए ही उलोजोको मूवी रिव्यू के लिए ही उलोजोको फिल्म समीक्षा उरियसी का दमदार अभिनय इस भूतीय नाटक को आगे बढ़ाते हैं अपडेट किया गया। प्रकाश उरियसी और पार्वती थिरुवुथु के प्रभावी अभिनय के निर्देशन क्रिस्टो टॉमी की पहली फिल्म को रहस्य गलतियों और मोशन पर एक मनोरंजन नाटक बना दिए। उलोजोको में हर कोई किसी न किसी तरह से फंसा हुआ है, यहाँ तक कि एक मृत शरीर भी कई दिनों तक दफन नहीं हो पाता है क्योंकि बाढ़ के पानी की कब्रिस्तानों को डुबो दिया है। जीवित लोगों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। अंजू पावरती थिरुवुथु और उसकी सास लीलामा उरियसी की एक ऐसे जीवन में है जिसे उन्हें नहीं चुना है। एक ने पारिवारिक जीवन के संघर्षों को झेलते हुए इसे स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि उस जीवन शैली को बचाने के लिए तरस रही है, जबकि दूसरी में अभी भी इससे बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने की थोड़ी हिम्मत बची हुई है। वे भी सचमुच फंसे हुए बैक वाटर में एक द्वीप पर आने घर पर जिसमें बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और देश की नाव बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र साधन है। कम संवेदनाशील लेखक के हाथों में यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ से एक खलनायक को उजागर किया जा सकता है और उस पर उंगलियां उठाई जा सकती है क्योंकि अंजू और लीलामा दोनों के अपने अपने गृह क्षेत्र हैं। उलोजोको के केंद्र में स्थिति ऐसी ताकि झाक करने वाली यूट्यूब चैनल पर इस पर नज़र रखने के लिए कूद पड़ेंगे और दोनों पक्षों के लोगों की निंदा करने वाली व्यूज़ और कमेंट्स बटोरेंगे, लेकिन नवोदित लेखक और निर्देशन
क्रिस्टो टॉमी की तरह दूसरे पक्ष के लिए थोड़ी संवेदनशीलता और खुले विचारों से बहुत फर्क पड़ते हैं। भले एक निर्यान की दरअसल एक पक्ष या दूसरे पक्ष को लेते हैं, टॉमी ऐसी गुनाहों की गणनाओं को बिगाड़ने के लिए थोड़ी जानकारी देते हैं। कहानी लंबे समय से दबे हुए रहस्य तक सामने आती है जब एक परिवार अपने प्रियजन की अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन बढ़ती बाढ़ के पानी के कारण इसमें देरी हो जाती है। जैसे कि वह दूसरी जिसमें लीलमा अंजू से अपनी युवावस्था के दिनों के बारे में खुलकर बात करती, जब वह एक अनिच्छुक दुल्हन थी और उसके सपने दफन हो गए थे। ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर सब कुछ दफन कर दिया था और खुद को ब्रह्म खुशी के में विश्वास दिला लिया था, जब तक कि सालों बाद उसका सम्मान अंजू से नहीं हुआ, जो एक अलग तरह की दुविधा में फंस गई थी। उसकी ओर से यह समझ दो महिलाओं के बीच विकसित होते रिश्ते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, जो उन दर्दनाक रहस्यों से चिन्हित है जिन्हें वे एक दूसरे से छिपाती। उलू झोको अंडरक्रंट एक ऐसी फिल्म के लिए बिल्कुल उपयुक्त सीन है, जो अपने पत्रों की दोस्ती रहस्यमय मन से स्थितियों में करुणाकरण अपने पैर जमाती है। शुरुआती में टॉमी हमें इस रिश्ते के बीच में ले जाने की जल्दी में देखते, क्योंकि कुछ बुद्धिमानी से संपादित क्षणों में वह लक्ष्य संघर्षशील राजीव अर्जुन राधा कृष्णा के साथ अंजू के गुप्त रोमांस थम्सकूटी प्रशांत मुरली से उनकी शादी और थम्सकूटी की दुबल करने वाली बीमारी को जल्दी से जल्दी दिखाते हैं। फिर फिल्म दीवार घड़ी की आरामदायक गति पकड़ लेती है, जिसे हमें अनिश्चितता और दर्द का एहसास होता है जो नीचे उबल रहे हैं। उर्यशी के अलावा कोई भी व्यतीत इन असंख्य भावनाओं को उतनी अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर सकता, जितने कि नियंत्रित अभिनय की उत्कृष्ट कृति में सूक्ष्म हाव भावों में हाव भाव के उपयोग से एक विनाशकारी प्रभाव पैदा कर दे। कई बार यह हमें उसके पक्ष में खड़ा कर देता है, भले ही हम उसे असमर्थ हो। पार्वती ने भी कुछ समय बाद मलयालम सिनेमा में वापसी करते हुए एक प्रभावी अभिनय किया। प्रशांत को अभिनय के लिए कुछ गुंजाइश मिल गई, जबकि एक क्षमक की सक्षम अभिनेता अर्जुन राधा कृष्णा को सीमित अवसर मिल गए। शहनाज जलाल ने फिल्म के मूड को उसकी उदासी भरी महिमा में कैद किया गया, सिख पर कुछ सुविधाजनक मोड़ लेते, खास तौर पर लीलामा का बदलाव और एक किरदार की जमीन की आर्थिक मांग और कुछ सामान्य रूप से जल्दबाजी में कही गई बातें जो पूर्व निर्धारित चरमोत्कंस तक पहुंचने के लिए, लेकिन जिस दिल के साथ सही समय पर सही भावनाओं को उभारा गया, वह ऐसी छोटी छोटी बातों से पर देखने पर मजबूर कर दे। उलू झोको के साथ क्रिस्टो टॉमी ने एक ऐसी फिल्म निर्माण के रूप में अपनी उपस्थिति की घोषणा की जिस पर नज़र रखनी चाहिए और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक और उलू झोको के और सेन बॉर्ड के लिए ही नकारात्मक और बटनोट की अनहियर एक एस्टेन की परफॉर्मर की उलू झोको अनदेखा लेकिन अनसुना नहीं। मलयालम सिनेमा की रोमांचकारी नए रतन में स्टैंड आउट कलाकार पावरेटी या उर्यशी नहीं बल्कि एक गुप्त तीसरी लीड है। उलू झोको कुबलंगी नाइटस में लाई गई पंख जैसी तरलता से लेकर उनकी नीनल मुरली स्कूल के उत्साहपूर्ण रोमांस तक मलयालम सिनेमा के देशवारी सफलता में खुशहुसैन श्याम के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन दिनों भारतीय अभिनेताओं की उन भूमिकाओं के लिए प्रशंसा की जा रही है जिन्हें केवल वे ही की ग्रह कर सकते हैं। पटकथा लेखक पुरुष पर चित्रित करने के लिए खुद का पेट थपथपा रहे, दूसरी ओर फिल्म निर्देशन दर्शकों को यह समझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे कि वे अब अधिकारी में काम नहीं कर
कर रहे केवल हमें सैम बहादुर जैसी चीज़ें दिखाने के लिए, लेकिन वह एक अलग कहानी है। ढूंढ विश्वास, अनयन और दूसरी जैसे शब्द लोकप्रिय शब्दावली में शामिल हुए, लेकिन उनका उपयोग आमतौर पर अभिनय के संदर्भ में किया जाता है। ऐसा लगता है कि कोई भी व्यतीत किसी व्यतीत के जटिल प्रदर्शन में योगदान देने वाले अन्य सभी फिल्म निर्माण उपकरणों को स्वीकार करने में रुचि नहीं रखते। बेशक इसके पीछे एक कारण है और हम इस पर एक मिनट में चर्चा करेंगे, लेकिन एक कलाकार नियमित रूप से मुख्य धारा की भारतीय फिल्म निर्माण की परंपराओं को चुनौती दे रहा है, जबकि रूसी रूप से सामग्री को उत्कृष्टतर तक बढ़ा रहा है जो अनैथ्य नहीं पहुँच पाते। क्रिस्टो टॉमी की तरह निर्देशित नई मलयालम फिल्म उलोजो को एक ही क्लास टोपोबी के मनोवैज्ञानिक ड्रामा है जो दो महिलाओं के बारे में जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह की मानव निर्मित जेलों में फंसी हुई है। इसमें पावरती थिरुवुथु और उरियसी की तरह कुछ भड़काऊ केंद्रीय प्रदर्शन है जो सदाबहार और जरूरी दोनों तरह से विषय है, लेकिन फिल्म का असली एमपीवी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। या कम से कम शून्य का सीमा के भीतर सुशील श्यामो ने युग के लिए एक पृष्ठभूमि संगीत में गहरे अर्थविहित विचारों को लेते और उन्हें बल बल के साथ नहीं बल्कि एक धनुष्कार भाव के साथ होठों के कोने पर एक मुस्कान और नाक की छिंद्र की एक ऐसी सिकुड़न के साथ सामने लाते हैं जिसे दिखाई देने से पहले महसूस किया जा सकता है। उनके स्कोर का प्रभाव ऐसा है कि इसे शायद फिल्म की तीसरी मुख्य भूमिका के रूप में चुना जा सकता है। यह अंजू पावरती और लीलामा उरियसी के साथ जगह के लिए संघर्ष करता है जब वे अपने मारते हुए परिवार के सदस्य के बारे में चिंता करते हुए एक जर्जर बिस्तर पर बैठी होती है। यह भी उनकी तरह सांस लेने के लिए संघर्ष करता है जब उसके मरने के बाद चीज़ें बहुत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप क्रिस्टो टॉमी की फ़ैन हो और उलोजो मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। क्रिस्टो टॉमी की द्वारा लिखित और निर्देशित उलोजो को एक भावनात्मक अंतधारा पर आधारित फिल्म है जिसने केरल में बाढ़ की स्थिति का रूपात्मक चित्रण किया गया है। कहानी लीलामा और उनकी बहू अंजू विश्वास घास से पर देखने की शक्ति है ताकि यह समझ सके कि सच्चा प्यार क्षमा और स्वीकृति है। समीक्षा और इसी कितनी तारीखों से दुख दिख सकती है। अभिनेत्री अपने जबरदस्त रेंज एक और फिल्म के लिए ही उलोजो को फिल्म समीक्षा उरियसी का दमदार अभिनय इस भूतीय नाटक को आगे बढ़ाते हैं। अपडेट किया गया प्रकाश उरियसी और पावरती थिरुवुथु के प्रभावी अभिनय के निर्देशन क्रिस्टो टॉमी की पहली फिल्म को रहस्य गलतियों और मोशन पर एक मनोरंजन नाटक बना दिए। उलोजो में हर कोई किसी न किसी तरह से फंसा हुआ है, यहाँ तक कि एक मृत शरीर भी कई दिनों तक दफन नहीं हो पाता है क्योंकि बाढ़ के पानी की कब्रिस्तानों को डुबो दिया है। जीवित लोगों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। अंजू पावरती थिरुवुथु और उसकी सास लीलामा उरियसी की एक ऐसी जीवन में है जिसे उन्हें नहीं चुना है। एक ने पारिवारिक जीवन के संघर्षों को झेलते हुए इसे स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि उस जीवन शैली को बचाने के लिए तरस रही है, जबकि दूसरी में अभी भी इससे बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने की थोड़ी हिम्मत बची हुई है। वे भी सचमुच फंसे हुए बैक वाटर में एक द्वीप पर आने घर पर जिसमें बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और देश की नाव बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र साधन है। कम संवेदनाशील लेखक के हाथों में यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ से एक खलनायक को उजागर किया जा सकता है
और उस पर उंगलियां उठाई जा सके, क्योंकि अंजू और लीलमा दोनों के अपने अपने गृह क्षेत्र हैं। उलुजोको के केंद्र में सृष्टि ऐसी ताकि झाक करने वाली यूट्यूब चैनल पर इस पर नज़र रखने के लिए कूद पड़ेंगे और दोनों पक्षों के लोगों की निंदा करने वाली व्यूज़ और कमेंट्स बटोरेंगे। लेकिन नवोदित लेखक और निर्देशक क्रिस्टो टॉमी की तरह दूसरे पक्ष के लिए थोड़ी संवेदनशीलता और खुले विचारों से बहुत फर्क पड़ते हैं। भले एक निर्यान की दरअसल एक पक्ष या दूसरे पक्ष को लेता है, टॉमी ऐसी गणनाओं को बिगाड़ने के लिए थोड़ी जानकारी देते हैं। कहानी लंबे समय से दबे हुए रहस्य तक सामने आती है जब एक परिवार अपने प्रियजन की अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन बढ़ती बाढ़ के पानी के कारण इसमें देरी हो जाती है। जैसे कि वह दूसरी जिसमें लीलमा अंजू से अपनी युवावस्था के दिनों के बारे में खुलकर बात करती, जब वह एक अनिच्छुक दुल्हन थी और उसके सपने दफन हो गए थे। ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर सब कुछ दफन कर दिया था और खुद को ब्रह्म खुशी के में विश्वास दिला लिया था, जब तक कि सालों बाद उसका सम्मान अंजू से नहीं हुआ, जो एक अलग तरह की दुविधा में फंस गई थी। उसकी ओर से यह समझ दो महिलाओं के बीच विकसित होते रिश्ते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, जो उन दर्दनाक रहस्यों से चिन्हित है जिन्हें वे एक दूसरे से छिपाती। उलुजोको अंडरक्रंट एक ऐसी फिल्म के लिए बिल्कुल उपयुक्त सीन्स है, जो अपने पत्रों की दोस्ती रहस्यमय मन स्थितियों में करुणाकरण अपने पैर जमाती है। शुरुआती में टॉमी हमें इस सृष्टि के बीच में ले जाने की जल्दी में लिखते, क्योंकि कुछ बुद्धिमानी से संपादित क्षणों में वह लक्षहीन संघर्षशील राजीव अर्जुन राधा कृष्णा के साथ अंजू के गुप्त रोमांस थम्सकूटी प्रशांत मुरली से उनकी शादी और थम्सकूटी की दुबल करने वाली बीमारी को जल्दी से जल्दी दिखाते हैं। फिर फिल्म दीवार घड़ी की आरामदायक गति पकड़ लेती है, जिसे हमें अनिश्चितता और दर्द का एहसास होता है जो नीचे उबल रहा है। उर्यशी के अलावा कोई भी व्यतीत इन असंख्य भावनाओं को उतनी अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर सकता, जितने कि नियंत्रित अभिनय की उत्कृष्ट कृति में सूक्ष्म हाव भाव के उपयोग से एक विनाशकारी प्रभाव पैदा कर दे। कई बार यह हमें उसके पक्ष में खड़ा कर देता है, भले ही हम उसे असहमत हो। पार्वती ने भी कुछ समय बाद मलयालम सिनेमा में वापसी करते हुए एक प्रभावी अभिनय किया। प्रशांत को अभिनय के लिए कुछ गुंजाइश मिल गई, जबकि एक चमक सक्षम अभिनेता अर्जुन राधा कृष्णा को सीमित अवसर मिल गए। शहनाज जलाल ने फिल्म के मूड को उसकी उदासी भरी महिमा में कैद किया गया। सिख पर कुछ सुविधाजनक मोड़ लेते, खास तौर पर लीलामा का बदलाव और एक किरदार की जमीन की आर्थिक मांग और कुछ सामान्य रूप से जल्दबाजी में कही गई बातें जो पूर्व निर्धारित चरमोत्कंस तक पहुंचने के लिए, लेकिन जिस दिल के साथ सही समय पर सही भावनाओं को उभारा गया, वह ऐसी छोटी छोटी बातों से पर देखने पर मजबूर करते हैं। उलुजोको के साथ क्रिस्टो टॉमी ने एक ऐसी फिल्म निर्माण के रूप में अपनी उपस्थिति की घोषणा की जिस पर नज़र रखनी चाहिए और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक और उलुजोको के और सेन बॉर्ड के लिए ही नकारात्मक और बटनोट की अनहियर एक एस्टेन की परफॉर्मर की उलुजोको अनदेखा लेकिन अनसुना नहीं। मलयालम सिनेमा की रोमांचकारी नए रतन में स्टैन आउट कलाकार पावरेटी या उर्यशी नहीं बल्कि एक गुप्त तीसरी लीड है। उलुजोको कुबलंगी नाइटस में लाई गई पंख जैसी तरलता से लेकर उनकी नीनल मुरली स्कोर के उत्साहपूर्ण रोमांस तक मलयालम सिनेमा के देशवारी सफलता में खुशहुसैन श्याम के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है।
इन दिनों भारतीय अभिनेताओं की उन भूमिकाओं के लिए प्रशंसा की जा रही है जिन्हें केवल वे ही ग्रह कर सकते हैं। पटकथा लेखक क्रूज पर सत्रित चित्रित करने के लिए खुद का पेट थपथपा रहे, दूसरी ओर फिल्म निर्देशन दर्शकों को यह समझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे कि वे अब अधिकारी में काम नहीं कर रहे, केवल हमें सैम बहादुर जैसी चीज़ें दिखाने के लिए, लेकिन वह एक अलग कहानी है। ढूंढ विश्वास, अनयन और दूसरी जैसे शब्द लोकप्रिय शब्दावली में शामिल हुए, लेकिन उनका उपयोग आमतौर पर अभिनय के संदर्भ में किया जाता है। ऐसा लगता है कि कोई भी व्यतीत के जटिल प्रदर्शन में योगदान देने वाले अन्य सभी फिल्म निर्माण उपकरणों को स्वीकार करने में रुचि नहीं रखती। बेशक इसके पीछे एक कारण है और हम इस पर एक मिनट में चर्चा करेंगे, लेकिन एक कलाकार नियमित रूप से मुख्य धारा की भारतीय फिल्म निर्माण की परंपराओं को चुनौती दे रहा है, जबकि रूसी रूप से सामग्री को उत्कृष्टतर तक बढ़ा रहा है जो अनैथिया नहीं पहुँच पाते। क्रिस्टो टॉमी की तरह निर्देशित नई मलयालम फिल्म उलोजो को एक क्लास टोपोबी की मनोवैज्ञानिक ड्रामा है जो दो महिलाओं के बारे में जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह की मानव निर्मित जेलों में फंसी हुई है। इसमें पार्वती थिरुवुथु और उरियसी की तरह कुछ भड़काऊ केंद्रीय प्रदर्शन है जो सदाबहार और जरूरी दोनों तरह से विषय है, लेकिन फिल्म का असली एमपीवी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह कम से कम सुनने का सीमा के भीतर सुशील श्यामों ने युग के लिए एक पृष्ठभूमि संगीत में गहरे अर्थविहित विचारों को लेते और उन्हें बल बल के साथ नहीं बल्कि एक धनुष्कार भाव के साथ होठों के कोने पर एक मुस्कान और नाक की छिंद्र की एक ऐसी सिकुड़न के साथ सामने रहते हैं जिसे दिखाई देने से पहले महसूस किया जा सकता है। उनके स्कोर का प्रभाव ऐसा है कि इसे शायद फिल्म की तीसरी मुख्य भूमिका के रूप में चुना जा सकता है। यह अंजू पावरती और लीलामा उरियसी के साथ जगह के लिए संघर्ष करता है जब वे अपने मारते हुए परिवार के सदस्य के बारे में चिंता करते हुए एक जर्जर बिस्तर पर बैठी होती है। यह भी उनकी तरह सांस लेने के लिए संघर्ष करता है जब उसके मरने के बाद चीज़ें बहुत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप क्रिस्टो टॉमी की फ़ैन हो और उलोजोको मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। क्रिस्टो टॉमी की द्वारा लिखित और निर्देशित उलोजोको एक भावनात्मक अंतधारा पर आधारित फिल्म है जिसमें केरल में बाढ़ की सृष्टि का रूपात्मक चित्रण किया गया है। कहानी लीलामा और उनकी बहू अंजू विश्वास घर से पर देखने की सीखती है ताकि यह समझ सके कि सच्चा प्यार क्षमा और स्वीकृति है। समीक्षा उरिसी कितनी तारीखों से दुख देख सकती है। अभिनेत्री अपनी जबरदस्त रेंज एक और फिल्म के लिए ही उलोजोको मूवी रिव्यू के लिए ही उलोजोको फिल्म समीक्षा उरिसी का दमदार अभिनय इस भूतीय नाटक को आगे बढ़ाते हैं अपडेट किया गया। प्रकाश उरियसी और पार्वती थिरुवुथु के प्रभावी अभिनय के निर्देशन क्रिस्टो टॉमी की पहली फिल्म को रहस्य गलती और मोशन पर एक मनोरंजन नाटक बना दिए। उलोजोको में हर कोई किसी न किसी तरह से फंसा हुआ है, यहाँ तक कि एक मृत शरीर भी कई दिनों तक दफन नहीं हो पाता है क्योंकि बाढ़ के पानी की कब्रिस्तानों को डुबो दिया है। जीवित लोगों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। अंजू पावरती थिरुवुथु और उसकी सास लीलामा उरियसी की एक ऐसे जीवन में है जिसे उन्हें नहीं चुना है। एक ने पारिवारिक जीवन के संघर्षों को झेलते हुए इसे स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि उस जीवन शैली को बचाने के लिए तरस रही है, जबकि दूसरी में अभी भी इसे बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने की थोड़ी हिम्मत बची हुई है। वे भी सचमुच फंसे हुए बैक वाटर में एक द्वीप पर आने
घर पर, जिसमें बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और देश की नाव बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र साधन है। कम संवेदनाशील लेखक की हाथों में यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ से एक खलनायक को उजागर किया जा सकता है और उस पर उंगलियां उठाई जा सकती है, क्योंकि अंजू और लीलमा दोनों के अपने अपने गृह क्षेत्र हैं। उलू जोको की केंद्र में स्थिति ऐसी है ताकि झाग करने वाली यूट्यूब चैनल पर इस पर नज़र रखने के लिए कूद पड़ेंगे और दोनों पक्षों के लोगों की निंदा करने वाली व्यूज़ और कमेंट्स बटोरेंगे। लेकिन नवोदित लेखक और निर्देशन क्रिस्टो टॉमी की तरह दूसरे पक्ष के लिए थोड़ी संवेदनशीलता और खुले विचारों से बहुत फर्क पड़ता है। भले एक निर्यान की दरअसल एक पक्ष या दूसरे पक्ष को लेता है, टॉमी ऐसी गणनाओं को बिगाड़ने के लिए थोड़ी जानकारी देते हैं। कहानी लंबे समय से दबे हुए रहस्य तक सामने आती है जब एक परिवार अपने प्रियजन की अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन बढ़ती बाढ़ के पानी के कारण इसमें देरी हो जाती है। जैसे कि वह दूसरी जिसमें लीलमा अंजू से अपनी युवावस्था के दिनों के बारे में खुलकर बात करती, जब वह एक अनिच्छुक दुल्हन थी और उसके सपने दफन हो गए थे। ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर सब कुछ दफन कर दिया था और खुद को भ्रम खुशी के में विश्वास दिला लिया था, जब तक कि सालों बाद उसका सम्मान अंजू से नहीं हुआ, जो एक अलग तरह की दुविधा में फंस गई थी। उसकी ओर से यह समझ दो महिलाओं के बीच विकसित होते रिश्ते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, जो उन दर्दनाक रहस्यों से चिन्हित है जिन्हें वे एक दूसरे से छिपाती। उलू जोको अंडरक्रंट एक ऐसी फिल्म के लिए बिल्कुल उपयुक्त सीन है, जो अपने पत्रों की दोस्ती रहस्यमय मन से स्थितियों में करुणाकरण अपने पैर जमाती है। शुरुआती में टॉमी हमें इस रिश्ते के बीच में ले जाने की जल्दी में लिखती है, क्योंकि कुछ बुद्धिमानी से संपादित क्षणों में वह लक्ष्मीन संघर्ष तिल राजीव अर्जुन राधा कृष्णा के साथ अंजू के गुप्त रोमांस थम स्कूटी प्रशांत मुरली से उनकी शादी और थम स्कूटी की दुबल करने वाली बीमारी को जल्दी से जल्दी दिखाते हैं। फिर फिल्म दीवार घड़ी की आरामदायक गति पकड़ लेती है, जिसे हमें अनिश्चितता और दर्द का एहसास होता है जो नीचे उबल रहा है। उर्यशी के अलावा कोई भी व्यतीत इन असंख्य भावनाओं को उतनी अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर सकता जितने कि नियंत्रित अभिनय की उत्कृष्ट कृति में सूक्ष्म हाव भाव के उपयोग से एक विनाशकारी प्रभाव पैदा कर दे। कई बार यह हमें उसके पक्ष में खड़ा कर देता है, भले ही हम उसे असमर्थ हो। पार्वती ने भी कुछ समय बाद मलयालम सिनेमा में वापसी करते हुए एक प्रभावी अभिनय किया। प्रशांत को अभिनय के लिए कुछ गुंजाइश मिल गई, जबकि एक क्षमक की सक्षम अभिनेता अर्जुन राधा कृष्णा को सीमित अवसर मिल गए। शहनाज जलाल ने फिल्म के मूड को उसकी उदासी भरी महिमा में कैद किया गया, सिख पर कुछ सुविधाजनक मोड़ लेते, खास तौर पर लीलामा का बदलाव और एक किरदार की जमीन की आर्थिक मांग और कुछ सामान्य रूप से जल्दबाजी में कही गई बातें जो पूर्व निर्धारित चरमोत्कंश तक पहुंचने के लिए, लेकिन जिस दिल के साथ सही समय पर सही भावनाओं को उभारा गया वह ऐसी छोटी छोटी बातों से पर देखने पर मजबूर कर दे। उलू जोको के साथ क्रिस्टो टॉमी ने एक ऐसी फिल्म निर्माण के रूप में अपनी उपस्थिति की घोषणा की जिस पर नज़र रखनी चाहिए और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक और उलू जोको के और सेन बॉर्ड के लिए ही नकारात्मक और बटनोट की अनहियर एक एस्टेन की परफॉर्मर की उलू जोको अनदेखा लेकिन अनसुना नहीं। मलयालम सिनेमा की रोमांचकारी नए रतन में स्टैंड आउट कलाकार पावरेटी या उर्यशी नहीं बल्कि एक गुप्त तीसरी लीड है। उलू जोको कुबलंगी नाइटस में लाई गई पंख जैसी तरलता से लेकर
उनकी नीनल मुरली स्पूर की उत्साहपूर्ण रोमांस तक मलयालम सिनेमा की देशवारी सफलता में खुसुसीन श्याम के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन दिनों भारतीय अभिनेताओं की उन भूमिकाओं के लिए प्रशंसा की जा रही है जिन्हें केवल वे ही की ग्रह कर सकते हैं। पटकथा लेखक क्रूज पर सत्रित चित्रित करने के लिए खुद का पेट थपथपा रहे, दूसरी ओर फिल्म निर्देशन दर्शकों को यह समझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे कि वे अब अधिकारी में काम नहीं कर रहे, केवल हमें सैम बहादुर जैसी चीज़ें दिखाने के लिए, लेकिन वह एक अलग कहानी है। ढूंढ विश्वास, अनयन और दूसरी जैसे शब्द लोकप्रिय शब्दावली में शामिल हुए, लेकिन उनका उपयोग आमतौर पर अभिनय के संदर्भ में किया जाता है। ऐसा लगता है कि कोई भी व्यतीत किसी व्यतीत के जटिल प्रदर्शन में योगदान देने वाले अन्य सभी फिल्म निर्माण उपकरणों को स्वीकार करने में रुचि नहीं रखती। बेशक इसके पीछे एक कारण है और हम इस पर एक मिनट में चर्चा करेंगे, लेकिन एक कलाकार नियमित रूप से मुख्य धारा की भारतीय फिल्म निर्माण की परंपराओं को चुनौती दे रहा है, जबकि रूसी रूप से सामग्री को उत्कृष्टतर तक बढ़ा रहा है जो अनैथिया नहीं पहुँच पाते। क्रिस्टो टॉमी की तरह निर्देशित नई मलयालम फिल्म उलोजो को एक क्लास टोपोबी की मनोवैज्ञानिक ड्रामा है जो दो महिलाओं के बारे में जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह की मानव निर्मित जेलों में फंसी हुई है। इसमें पार्वती थिरुवुथु और उरियसी की तरह कुछ भड़काऊ केंद्रीय प्रदर्शन है जो सदाबहार और जरूरी दोनों तरह से विषय है, लेकिन फिल्म का असली एमपीवी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। या कम से कम शून्य का सीमा के भीतर सुशील श्यामो ने युग के लिए एक पृष्ठभूमि संगीत में गहरे अर्थनिहित विचारों को लेते और उन्हें बल बल के साथ नहीं बल्कि एक धनुष्कार भाव के साथ होठों के कोने पर एक मुस्कान और नाक की छिंद्र की एक ऐसी सिकुड़न के साथ सामने लाते हैं जिसे दिखाई देने से पहले महसूस किया जा सकता है। उनके स्कोर का प्रभाव ऐसा है कि इसे शायद फिल्म की तीसरी मुख्य भूमिका के रूप में चुना जा सकता है। यह अंजू पावरती और लीलामा उरियसी के साथ जगह के लिए संघर्ष करता है जब वे अपने मारते हुए परिवार के सदस्य के बारे में चिंता करते हुए एक जर्जर बिस्तर पर बैठी होती है। यह भी उनकी तरह सांस लेने के लिए संघर्ष करता है जब उसके मरने के बाद चीज़ें बहुत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप क्रिस्टो टॉमी की फैन हो और उलोजोको मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। क्रिस्टो टॉमी की द्वारा लिखित और निर्देशित उलोजोको एक भावनात्मक अंतधारा पर आधारित फिल्म है जिसमें केरल में बाढ़ की स्थिति का रूपात्मक चित्रण किया गया है। कहानी लीलामा और उनकी बहू अंजू विश्वास घर से पर देखने की सीखती है ताकि यह समझ सके कि सच्चा प्यार क्षमा और स्वीकृति है। समीक्षा और इसी कितनी तारीखों से दुख दिख सकती है। अभिनेत्री अपनी जबरदस्त रेंज एक और फिल्म के लिए ही उलोजोको मूवी रिव्यू के लिए ही उलोजोको फिल्म समीक्षा उरियसी का दमदार अभिनय इस भूतीय नाटक को आगे बढ़ाते हैं अपडेट किया गया। प्रकाश उरियसी और पार्वती थिरुवुथु के प्रभावी अभिनय के निर्देशन क्रिस्टो टॉमी की पहली फिल्म को रहस्य गलतियों और मोशन पर एक मनोरंजन नाटक बना दिए। उलोजोको में हर कोई किसी न किसी तरह से फंसा हुआ है, यहाँ तक कि एक मृत शरीर भी कई दिनों तक दफन नहीं हो पाता है क्योंकि बाढ़ के पानी की कब्रिस्तानों को डुबो दिया है। जीवित लोगों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। अंजू पावरती थिरुवुथु और उसकी सास लीलामा उरियसी की एक ऐसे जीवन में है जिसे उन्हें नहीं चुना है। एक ने पारिवारिक जीवन के संघर्षों को झेलते हुए इसे स्वीकार कर लिया
और यहाँ तक कि उस जीवन शैली को बचाने के लिए तरस रही हैं, जबकि दूसरी में अभी भी इसे बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने की थोड़ी हिम्मत बची हुई है। वे भी सचमुच फंसे हुए बैक वाटर में एक द्वीप पर आने घर पर, जिसमें बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और देश की नाव बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र साधन है। कम संवेदनाशील लेखक की हाथों में यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ से एक खलनायक को उजागर किया जा सकता है और उस पर उंगलियां उठाई जा सकती, क्योंकि अंजू और लीलमा दोनों के अपने अपने गृह क्षेत्र हैं। उलू जोको के केंद्र में स्थिति ऐसी ताकि झाक करने वाली यूट्यूब चैनल पर इस पर नज़र रखने के लिए कूद पड़ेंगे और दोनों पक्षों के लोगों की निंदा करने वाली व्यूज और कमेंट्स बटोरेंगे। लेकिन नवोदित लेखक और निर्देशन क्रिस्टो टॉमी की तरह दूसरे पक्ष के लिए थोड़ी संवेदनशीलता और खुले विचारों से बहुत फर्क पड़ते हैं। भले एक निर्यान की दरअसल एक पक्ष या दूसरे पक्ष को लेता है, टॉमी ऐसी गणनाओं को बिगाड़ने के लिए थोड़ी जानकारी देते हैं। कहानी लंबे समय से दबे हुई रहस्य तक सामने आती है जब एक परिवार अपने प्रियजन की अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन बढ़ती बाढ़ के पानी के कारण इसमें देरी हो जाती है। जैसे कि वह दूसरी जिसमें लीलमा अंजू से अपनी युवावस्था के दिनों के बारे में खुलकर बात करती, जब वह एक अनिच्छुक दुल्हन थी और उसके सपने दफन हो गए थे। ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर सब कुछ दफन कर दिया था और खुद को भ्रम खुशी के में विश्वास दिला लिया था, जब तक कि सालों बाद उसका सम्मान अंजू से नहीं हुआ, जो एक अलग तरह की दुविधा में फंस गई थी। उसकी ओर से यह समझ दो महिलाओं के बीच विकसित होते रिश्ते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, जो उन दर्दनाक रहस्यों से चिन्हित है जिन्हें वे एक दूसरे से छिपाती। उलू जोको अंडरक्रंट एक ऐसी फिल्म के लिए बिल्कुल उपयुक्त सेंस है, जो अपने पत्रों की दोस्ती रहस्यमय मन से स्थितियों में करुणाकरण अपने पैर जमाती है। शुरुआती में टॉमी हमें इस रिश्ते के बीच में ले जाने की जल्दी में लिखते, क्योंकि कुछ बुद्धिमानी से संपादित क्षणों में वह लक्ष्यहीन संघर्षशील राजीव अर्जुन राधा कृष्णा के साथ अंजू के गुप्त रोमांस थम्सकूटी प्रशांत मुरली से उनकी शादी और थम्सकूटी की दुबल करने वाली बीमारी को जल्दी से जल्दी दिखाते हैं। फिर फिल्म दीवार घड़ी की आरामदायक गति पकड़ लेती है, जिसे हमें अनिश्चितता और दर्द का एहसास होता है जो नीचे उबल रहे हैं। उर्यशी के अलावा कोई भी व्यतीत इन असंख्य भावनाओं को उतनी अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर सकता, जितने कि नियंत्रित अभिनय की उत्कृष्ट कृति में सूक्ष्म हाव भाव के उपयोग से एक विनाशकारी प्रभाव पैदा कर दे। कई बार यह हमें उसके पक्ष में खड़ा कर देता है, भले ही हम उसे असमर्थ हो। पार्वती ने भी कुछ समय बाद मलयालम सिनेमा में वापसी करते हुए एक प्रभावी अभिनय किया। प्रशांत को अभिनय के लिए कुछ गुंजाइश मिल गई, जबकि एक चमक की सक्षम अभिनेता अर्जुन राधा कृष्णा को सीमित अवसर मिल गए। शहनाज जलाल ने फिल्म के मूड को उसकी उदासी भरी महिमा में कैद किया गया। सिख पर कुछ सुविधाजनक मोड़ लेते, खास तौर पर लीलामा का बदलाव और एक किरदार की जमीन की आर्थिक मांग और कुछ सामान्य रूप से जल्दबाजी में कही गई बातें जो पूर्व निर्धारित चरमोत्कर्ष तक पहुंचने के लिए, लेकिन जिस दिल के साथ सही समय पर सही भावनाओं को उभारा गया, वो ऐसी छोटी छोटी बातों से पर देखने पर मजबूर कर दे। उलू जोको के साथ क्रिस्टो टॉमी ने एक ऐसी फिल्म निर्माण के रूप में अपनी उपस्थिति की घोषणा की जिस पर नज़र रखनी चाहिए और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक और उलू जोको के और सेन बॉर्ड के लिए ही नकारात्मक और बट नोट की अनहियर एक एस्टेन की परफॉर्मर की
पुलुजू को अनदेखा लेकिन अनसुना नहीं। मलयालम सिनेमा की रोमांचकारी नए रतन में स्टैंड आउट कलाकार पावरेटी या उरियसी नहीं बल्कि एक गुप्त तीसरी लीड है। उलुजू को कुबलंगी नाइटस में लाई गई पंख जैसी तरलता से लेकर उनकी नीनल मुरली स्कूल की उत्साहपूर्ण रोमांच तक मलयालम सिनेमा की देशवारी सफलता में खुशहुसैन श्याम के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन दिनों भारतीय अभिनेताओं की उन भूमिकाओं के लिए प्रशंसा की जा रही है जिन्हें केवल वे ही ग्रह कर सकते हैं। पटकथा लेखक क्रूज पर सत्रित चित्रित करने के लिए खुद का पेट थपथपा रहे, दूसरी ओर फिल्म निर्देशन दर्शकों को यह समझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे कि वे अब अधिकारी में काम नहीं कर रहे, केवल हमें सैम बहादुर जैसी चीज़ें दिखाने के लिए, लेकिन वह एक अलग कहानी है। ढूंढ विश्वास अनयन और दूसरी जैसे शब्द लोकप्रिय शब्दावली में शामिल हुए, लेकिन उनका उपयोग आमतौर पर अभिनय के संदर्भ में किया जाता है। ऐसा लगता है कि कोई भी व्यतीत किसी व्यतीत के जटिल प्रदर्शन में योगदान देने वाले अन्य सभी फिल्म निर्माण उपकरणों को स्वीकार करने में रुचि नहीं रखती। बेशक इसके पीछे एक कारण है और हम इस पर एक मिनट में चर्चा करेंगे, लेकिन एक कलाकार नियमित रूप से मुख्य धारा की भारतीय फिल्म निर्माण की परंपराओं को चुनौती दे रहा है, जबकि रूसी रूप से सामग्री को उत्कृष्टता तक बढ़ा रहा है जो अनैथिया नहीं पहुँच पाते। क्रिस्टो टॉमी की तरह निर्देशित नई मलयालम फिल्म उलुजू को एक क्लास टोपोबी की मनोवैज्ञानिक ड्रामा है जो दो महिलाओं के बारे में जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह की मानव निर्मित जेलों में फंसी हुई है। इसमें पावरेटी थिरुवुथु और उरियसी की तरह कुछ भड़काऊ केंद्रीय प्रदर्शन है जो सदाबहार और जरूरी दोनों तरह से विषय है, लेकिन फिल्म का असली एमपीवी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह कम से कम शून्य का सीमा के भीतर सुशील श्यामो ने युग के लिए एक पृष्ठभूमि संगीत में गहरे अर्थविहित विचारों को लेते और उन्हें बल बल के साथ नहीं बल्कि एक धनुष्कार भाव के साथ होठों के कोने पर एक मुस्कान और नाक की छिंद्र की एक ऐसी सिकुड़न के साथ सामने लाते हैं जिसे दिखाई देने से पहले महसूस किया जा सकता है। उनके स्कोर का प्रभाव ऐसा है कि इसे शायद फिल्म की तीसरी मुख्य भूमिका के रूप में चुना जा सके। यह अंजू पावरेटी और लीलामा उरियसी के साथ जगह के लिए संघर्ष करता है जब वे अपने मारते हुए परिवार के सदस्य के बारे में चिंता करते हुए एक जर्जर बिस्तर पर बैठी होती है। यह भी उनकी तरह सांस लेने के लिए संघर्ष करता है जब उसके मरने के बाद चीज़ें बहुत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप क्रिस्टो टॉमी की फ़ैन हो और उलुजू को मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। क्रिस्टो टॉमी की द्वारा लिखित और निर्देशित उलुजू को एक भावनात्मक अंतधारा पर आधारित फिल्म है जिसमें केरल में बाढ़ की स्थिति का रूपात्मक चित्रण किया गया है। कहानी लीलामा और उनकी बहू अंजू विश्वास घास्ते पर देखने की शक्ति है ताकि यह समझ सके कि सच्चा प्यार क्षमा और स्वीकृति है। समीक्षा उरियसी कितनी तारीखों से दुख देख सकती है। अभिनेत्री अपनी जबरदस्त रेंज एक और फिल्म के लिए ही उलुजू को फिल्म समीक्षा उरियसी का दमदार अभिनय इस भूतीय नाटक को आगे बढ़ाते हैं। अपडेट किया गया प्रकाश उरियसी और पावरेटी थिरुवुथु के प्रभावी अभिनय के निर्देशन क्रिस्टो टॉमी की पहली फिल्म को रहस्य गलतियों और मोशन पर एक मनोरंजन नाटक बना दिया।
फूलों सूपों में हर कोई किसी न किसी तरह से फंसा हुआ है। यहाँ तक कि एक मृत शरीर भी कई दिनों तक दफन नहीं हो पाते हैं क्योंकि बाढ़ के पानी की कब्रिस्तानों को डुबो दिया है। जीवित लोगों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। अंजू पावित्री थिरुवोथु और उसकी सास लीलामा उरियसी की एक ऐसे जीवन में है जिसे उन्हें नहीं चुना है। एक ने पारिवारिक जीवन के संघर्षों को झेलते हुए इसे स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि उस जीवन शैली को बचाने के लिए तरस रही है, जबकि दूसरी में अभी भी इसे बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने की थोड़ी हिम्मत बची हुई है। वे भी सचमुच फंसे हुए बैक वाटर में एक द्वीप पर आने घर पर जिसमें बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और देश की नाव बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र साधन है। कम संवेदनाशील लेखक के हाथों में यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ से एक खलनायक को उजागर किया जा सकता है और उस पर उंगलियां उठाई जा सकती है, क्योंकि अंजू और लीलमा दोनों के अपने अपने गृह क्षेत्र हैं। उलू जोको के केंद्र में स्थिति ऐसी ताकि झाक करने वाली यूट्यूब चैनल पर इस पर नज़र रखने के लिए कूद पड़ेंगे और दोनों पक्षों के लोगों की निंदा करने वाली व्यूज़ और कमेंट्स बटोरेंगे। लेकिन नवोदित लेखक और निर्देशन क्रिस्टो टॉमी की तरह दूसरे पक्ष के लिए थोड़ी संवेदनशीलता और खुले विचारों से बहुत फर्क पड़ता है। भले एक निर्यान की दरअसल एक पक्ष या दूसरे पक्ष को लेता है, टॉमी ऐसी गणनाओं को बिगाड़ने के लिए थोड़ी जानकारी देते हैं। कहानी लंबे समय से दबे हुई रहस्य तक सामने आती है जब एक परिवार अपने प्रियजन की अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन बढ़ती बाढ़ के पानी के कारण इसमें देरी हो जाती है। जैसे कि वह दूसरी जिसमें लीलमा अंजू से अपनी युवावस्था के दिनों के बारे में खुलकर बात करती, जब वह एक अनिच्छुक दुल्हन थी और उसके सपने दफन हो गए थे। ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर सब कुछ दफन कर दिया था और खुद को भ्रम खुशी के में विश्वास दिला लिया था, जब तक कि सालों बाद उसका सम्मान अंजू से नहीं हुआ जो एक अलग तरह की दुविधा में फंस गई। उसकी ओर से यह समझ दो महिलाओं के बीच विकसित होते रिश्ते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती जो उन दर्दनाक रहस्यों से चिन्हित है जिन्हें वे एक दूसरे से छिपाती। उलू जोको अंडरक्रंट एक ऐसी फिल्म के लिए बिल्कुल उपयोग से है जो अपने पत्रों की दोस्ती रहस्यमय मन से स्थितियों में करुणाकरण अपने पैर जमाती है। शुरुआती में टॉमी हमें इस रिश्ते के बीच में ले जाने की जल्दी में लिखती है क्योंकि कुछ बुद्धिमानी से संपादित क्षणों में वह लक्ष्यहीन संघर्षशील राजीव अर्जुन राधा कृष्णा के साथ अंजू के गुप्त रोमांस थम स्कूटी प्रशांत मुरली से उनकी शादी और थम स्कूटी की दुबल करने वाली बीमारी को जल्दी से जल्दी दिखाते हैं। फिर फिल्म दीवार घड़ी की आरामदायक गति पकड़ लेती है जिसे हमें अनिश्चितता और दर्द का एहसास होता है जो नीचे उबल रहा है। उर्यसी के अलावा कोई भी व्यतीत इन असंख्य भावनाओं को उतनी अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर सकता जितने कि नियंत्रित अभिनय की उत्कृष्ट कृति में सूक्ष्म हाव भाव के उपयोग से एक विनाशकारी प्रभाव पैदा कर दे। कई बार यह हमें उसके पक्ष में खड़ा कर देता है भले ही हम उसे असहमत हो। पार्वती ने भी कुछ समय बाद मलयालम सिनेमा में वापसी करते हुए एक प्रभावी अभिनय किया। प्रशांत को अभिनय के लिए कुछ गुंजाइश मिल गई जबकि एक चमक सक्षम अभिनेता अर्जुन राधा कृष्णा को सीमित अवसर मिल गए। शहनाज जलाल ने फिल्म के मूड को उसकी उदासी भरी महिमा में कैद किया गया। सिख पर कुछ सुविधाजनक मोड़ लेती है, खासतौर पर लीलामा का बदलाव
और एक किराएदार की जमीन की आर्थिक मांग और कुछ स्थानीय रूप से जल्दबाजी में कही गई बातें जो पूर्व निर्धारित चरमोत्कंस तक पहुंचने के लिए, लेकिन जिस दिल के साथ सही समय पर सही भावनाओं को उभारा गया वो ऐसी छोटी छोटी बातों से पर देखने पर मजबूर कर दे। उनो जोको के साथ क्रिस्टो टॉमी ने एक ऐसी फिल्म निर्माण के रूप में अपनी उपस्थिति की घोषणा की जिस पर नज़र रखनी चाहिए और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक और उलुजुकी के और सेन बॉट के लिए ही नकारात्मक और बटनोट की अनहियर एक एस्टेन की परफॉर्मर की उलुजुकु अनदेखा लेकिन अनसुना नहीं। मलयालम सिनेमा की रोमांचकारी नए रतन में स्टैंड आउट कलाकार पावरेटी या ओरियसी नहीं बल्कि एक गुप्त तीसरी लीड है। उलुजुकु कुबलंगी नाइटस में लाई गई पंख जैसी तरलता से लेकर उनकी नीनल मुरली स्कोर के उत्साहपूर्ण रोमांच तक मलयालम सिनेमा के देशवारी सफलता में खुशहुसैन श्याम के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन दिनों भारतीय अभिनेताओं के उन भूमिकाओं के लिए प्रशंसा की जा रही है जिन्हें केवल वे ही की ग्रह कर सकते हैं। पटकथा लेखक क्रूज पर सत्रित चित्रित करने के लिए खुद का पेट थपथपा रहे, दूसरी ओर फिल्म निर्देशन दर्शकों को यह समझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे कि वे अब अधिकारी में काम नहीं कर रहे, केवल हमें सैम बहादुर जैसी चीज़ें दिखाने के लिए, लेकिन वह एक अलग कहानी है। ढूंढ विश्वास अनयन और दूसरी जैसे शब्द लोकप्रिय शब्दावली में शामिल हुए, लेकिन उनका उपयोग आमतौर पर अभिनय के संदर्भ में किया जाता है। ऐसा लगता है कि कोई भी व्यतीत किसी व्यतीत के जटिल प्रदर्शन में योगदान देने वाले अन्य सभी फिल्म निर्माण उपकरणों को स्वीकार करने में रुचि नहीं रखती। बेशक इसके पीछे एक कारण है और हम इस पर एक मिनट में चर्चा करेंगे, लेकिन एक कलाकार नियमित रूप से मुख्य धारा की भारतीय फिल्म निर्माण की परंपराओं को चुनौती दे रहा है, जबकि रूसी रूप से सामग्री को उत्कृष्टतर तक बढ़ा रहा है जो अनैथिया नहीं पहुँच पाते। क्रिस्टो टॉमी की तरह निर्देशित नई मलयालम फिल्म उलुजुकु एक क्लास टोपोबी की मनोवैज्ञानिक ड्रामा है जो दो महिलाओं के बारे में जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह की मानव निर्मित जेलों में फंसी हुई है। इसमें पावरेती थिरुवुतु और उरियसी की तरह कुछ भड़काऊ केंद्रीय प्रदर्शन है जो सदाबहार और जरूरी दोनों तरह से विषय है, लेकिन फिल्म का असली एमपीवी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है या कम से कम सुनने का सीमा के भीतर। सुशील श्यामो ने युग के लिए एक पृष्ठभूमि संगीत में गहरे अर्थविहित विचारों को लेते और उन्हें बल बल के साथ नहीं बल्कि एक धनुष्कार भाव के साथ होठों के कोने पर एक मुस्कान और नाक की छिंद्र की एक ऐसी सिकुड़न के साथ सामने लाते हैं जिसे दिखाई देने से पहले महसूस किया जा सकता है। उनके स्कोर का प्रभाव ऐसा है कि इसे शायद फिल्म की तीसरी मुख्य भूमिका के रूप में चुना जा सकता है। यह अंजू पावरेती और लीलामा उरियसी के साथ जगह के लिए संघर्ष करता है जब वे अपने मारते हुए परिवार के सदस्य के बारे में चिंता करते हुए एक जर्जर बिस्तर पर बैठी होती है। यह भी उनकी तरह सांस लेने के लिए संघर्ष करता है जब उसके मरने के बाद चीज़ें बहुत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप क्रिस्टो टॉमी की फ़ैन हो और उलुजुकु मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। क्रिस्टो टॉमी की द्वारा लिखित और निर्देशित उलुजुकु एक भावनात्मक अंतधारा पर आधारित फिल्म है जिसमें केरल में बाढ़ की स्थिति का रूपात्मक चित्रण किया गया है। कहानी लीलामा और उनकी बहू अंजू विश्वास घर से पर देखने की सीखती है।
था कि यश तुम्हें सभी की सच्चा प्यार क्षमा और स्वीकृति है। समीक्षा उड़ीसी कितनी तारीखों से दुख दिख सकती है। अभिनेत्री अपनी जबरदस्त रेंज एक और फिल्म के लिए ही उलूजुकू मूवी रिव्यू के लिए ही उलूजुकू फिल्म समीक्षा उड़ीसी का दमदार अभिनय इस भूतीय नाटक को आगे बढ़ाते हैं अपडेट किया गया। प्रकाश उड़ीसी और पार्वती थिरुवुथु के प्रभावी अभिनय के निर्देशन किस्टो टॉमी की पहली फिल्म को रहस्य गलतियों और मोशन पर एक मनोरंजन नाटक बना दिए। उलूजुकु में हर कोई किसी न किसी तरह से फंसा हुआ है, यहाँ तक कि एक मृत शरीर भी कई दिनों तक दफन नहीं हो पाता है क्योंकि बाढ़ के पानी की कब्रिस्तानों को डुबो दिया है। जीवित लोगों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। अंजू पावित्री थिरुवुथु और उसकी सास लीलामा उड़ीसी की एक ऐसे जीवन में है जिसे उन्हें नहीं चुना है। एक ने पारिवारिक जीवन के संघर्षों को झेलते हुए इसे स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि उस जीवन शैली को बचाने के लिए तरस रही है, जबकि दूसरी में अभी भी इससे बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने की थोड़ी हिम्मत बची हुई है। वे भी सचमुच फंसे हुए बैक वाटर में एक द्वीप पर आने घर पर जिसमें बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और देश की नाव बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र साधन है। कम संवेदनाशील लेखक के हाथों में यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ से एक खलनायक को उजागर किया जा सकता है और उस पर उंगलियां उठाई जा सकती है, क्योंकि अंजू और लीलमा दोनों के अपने अपने गृह क्षेत्र हैं। उलूजुकू के केंद्र में स्थिति ऐसी ताकि झाग करने वाली यूट्यूब चैनल पर इस पर नज़र रखने के लिए कूद पड़ेंगे और दोनों पक्षों के लोगों की निंदा करने वाली व्यूज़ और कमेंट्स बटोरेंगे। लेकिन नवोदित लेखक और निर्देशन क्रिस्टो टॉमी की तरह दूसरे पक्ष के लिए थोड़ी संवेदनशीलता और खुले विचारों से बहुत फर्क पड़ते हैं। भले एक निर्यान की दरअसल एक पक्ष या दूसरे पक्ष को लेता है, टॉमी ऐसी गणनाओं को बिगाड़ने के लिए थोड़ी जानकारी देते हैं। कहानी लंबे समय से दबे हुए रहस्य तक सामने आती है जब एक परिवार अपने प्रियजन की अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन बढ़ती बाढ़ के पानी के कारण इसमें देरी हो जाती है। जैसे कि वह दूसरी जिसमें लीलमा अंजू से अपनी युवावस्था के दिनों के बारे में खुलकर बात करती, जब वह एक अनिच्छुक दुल्हन थी और उसके सपने दफन हो गए थे। ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर सब कुछ दफन कर दिया था और खुद को भ्रम खुशी के में विश्वास दिला लिया था, जब तक कि सालों बाद उसका सम्मान अंजू से नहीं हुआ जो एक अलग तरह की दुविधा में फंस गई थी। उसकी ओर से यह समझ दो महिलाओं के बीच विकसित होते रिश्ते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती जो उन दर्दनाक रहस्यों से चिन्हित है जिन्हें वे एक दूसरे से छिपाती। उलूजुकु अंडरक्रंट एक ऐसी फिल्म के लिए बिल्कुल उपयुक्त सीन है जो अपने पत्रों की दोस्ती रहस्यमय मन से स्थितियों में करुणाकरण अपने पैर जमाती है। शुरुआती में टॉमी हमें इस रिश्ते के बीच में ले जाने की जल्दी में देखते क्योंकि कुछ बुद्धिमानी से संपादित क्षणों में वह लक्ष्मी संघर्ष तिल राजीव अर्जुन राधा कृष्णा के साथ अंजू के गुप्त रोमांस थम्सकूटी प्रशांत मुरली से उनकी शादी और थम्सकूटी की दुबल करने वाली बीमारी को जल्दी से जल्दी दिखाते हैं। फिर फिल्म दीवार घड़ी की आरामदायक गति पकड़ लेती है जिसे हमें अनिश्चितता और दर्द का एहसास होता है जो नीचे उबल रहे हैं। उड़ीसी के अलावा कोई भी व्यतीत इन असंख्य भावनाओं को उतनी अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर सकता जितने कि नियंत्रित अभिनय की उत्कृष्ट कृति में सूक्ष्म हाव भावों में हाव भाव के उपयोग से एक विनाशकारी प्रभाव पैदा कर दे। कई बार यह हमें उसके पक्ष में खड़ा कर देता है भले ही हम उसे असमर्थ हो। पार्वती ने
भी कुछ समय बाद मलयालम सिनेमा में वापसी करते हुए एक प्रभावी अभिनय किया। प्रशांत को अभिनय के लिए कुछ गुंजाइश मिल गई, जबकि एक झमक की सक्षम अभिनेता और राधा कृष्णा को सीमित अवसर मिल गए। शहनाज जलाल ने फिल्म के मूड को उसकी उदासी भरी महिमा में कैद किया गया। सिख पर कुछ सुविधाजनक मोड़ लेते, खास तौर पर लीलामा का बदलाव और एक किरदार की जमीन की आर्थिक मांग और कुछ सामान्य रूप से जल्दबाजी में कही गई बातें जो पूर्व निर्धारित चरमोत्कंस तक पहुंचने के लिए, लेकिन जिस दिल के साथ सही समय पर सही भावनाओं को उभारा गया वह ऐसी छोटी छोटी बातों से पर देखने पर मजबूर कर दे। उलू झुकू के साथ क्रिस्टो टॉमी ने एक ऐसी फिल्म निर्माण के रूप में अपनी उपस्थिति की घोषणा की जिस पर नज़र रखनी चाहिए और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक और उलू झुके के और सेन बॉर्ड के लिए ही नकारात्मक और बटनोट की अनहियर एक एस्टेन की परफॉर्मर की उलू झुकू अनदेखा लेकिन अनसुना नहीं। मलयालम सिनेमा की रोमांचकारी नए रतन में स्टैंड आउट कलाकार पावरेटी या उरियसी नहीं बल्कि एक गुप्त तीसरी लीड है। उलू झुकू कुबलंगी नाइटस में लाई गई पंख जैसी तरलता से लेकर उनकी नीनल मुरली स्कूल के उत्साहपूर्ण रोमांच तक मलयालम सिनेमा की देशवारी सफलता में खुशहुसैन श्याम के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन दिनों भारतीय अभिनेताओं की उन भूमिकाओं के लिए प्रशंसा की जा रही है जिन्हें केवल वे ही की ग्रह कर सकते हैं। पटकथा लेखक पुरुष पर चित्रित करने के लिए खुद का पेट थपथपा रहे, दूसरी ओर फिल्म निर्देशन दर्शकों को यह समझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे कि वे अब अधिकारी में काम नहीं कर रहे, केवल हमें सैम बहादुर जैसी चीज़ें दिखाने के लिए, लेकिन वह एक अलग कहानी है। ढूंढ विश्वास अनयन और दूसरी जैसे शब्द लोकप्रिय शब्दावली में शामिल हुए, लेकिन उनका उपयोग आमतौर पर अभिनय के संदर्भ में किया जाता है। ऐसा लगता है कि कोई भी व्यतीत किसी व्यतीत के जटिल प्रदर्शन में योगदान देने वाले अन्य सभी फिल्म निर्माण उपकरणों को स्वीकार करने में रुचि नहीं रखती। बेशक इसके पीछे एक कारण है और हम इस पर एक मिनट में चर्चा करेंगे, लेकिन एक कलाकार नियमित रूप से मुख्य धारा की भारतीय फिल्म निर्माण की परंपराओं को चुनौती दे रहा है, जबकि रूसी रूप से सामग्री को उत्कृष्टतर तक बढ़ा रहा है जो अनैथ्य नहीं पहुँच पाते। क्रिस्टो टॉमी की तरह निर्देशित नई मलयालम फिल्म उलोजुकू एक क्लास टोपोबी की मनोवैज्ञानिक ड्रामा है जो दो महिलाओं के बारे में जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह की मानव निर्मित जेलों में फंसी हुई है। इसमें पावरेटी थिरुवुथु और उरियसी की तरह कुछ भड़काऊ केंद्रीय प्रदर्शन है जो सदाबहार और जरूरी दोनों तरह से विषय है, लेकिन फिल्म का असली एमपीवी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है या कम से कम शून्य का सीमा के भीतर। सुशील श्यामो ने युग के लिए एक पृष्ठभूमि संगीत में गहरे अर्थविहित विचारों को लेते और उन्हें बल बल के साथ नहीं बल्कि एक धनुष्कार भाव के साथ होठों के कोने पर एक मुस्कान और नाक की छिंद्र की एक ऐसी सिकुड़न के साथ सामने लाते हैं जिसे दिखाई देने से पहले महसूस किया जा सकता है। उनके स्कोर का प्रभाव ऐसा है कि इसे शायद फिल्म की तीसरी मुख्य भूमिका के रूप में चुना जा सकता है। यह अंजू पावरेटी और लीलामा उरियसी के साथ जगह के लिए संघर्ष करता है जब वे अपने मारते हुए परिवार के सदस्य के बारे में चिंता करते हुए एक जर्जर बिस्तर पर बैठी होती है। यह भी उनकी तरह सांस लेने के लिए संघर्ष करता है जब उसके मरने के बाद चीज़ें बहुत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप क्रिस्टो टॉमी की फ़ैन हो और उलू झुकू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा।
किस्टो टॉमी के द्वारा लिखित और निर्देशित उलुजोकु एक भावनात्मक अंतधारा पर आधारित फिल्म है जिसने केरल में बाढ़ की स्थिति का रूपात्मक चित्रण किया गया है। कहानी लिल्मो और उनकी बहू अंजी विश्वास घास से पर देखने की सीखती है ताकि यह समझ सके कि सच्चा प्यार क्षमा और स्वीकृति है। समीक्षा उड़ीसी कितनी तारीखों से दुख देख सकती है। अभिनेत्री अपने जबरदस्त रेंज एक और फिल्म के लिए ही उलुजोकु मूवी रिव्यू के लिए ही उलुजोकु फिल्म समीक्षा उड़ीसी का दमदार अभिनय इस भूतीय नाटक को आगे बढ़ाते हैं अपडेट किया गया। प्रकाश उड़ीसी और पार्वती थिरुवुथु के प्रभावी अभिनय के निर्देशन किस्टो टॉमी की पहली फिल्म को रहस्य गलती और मोशन पर एक मनोरंजन नाटक बना दिए। उलुजोकु में हर कोई किसी न किसी तरह से फंसा हुआ है, यहाँ तक कि एक मृत शरीर भी कई दिनों तक दफन नहीं हो पाते हैं क्योंकि बाढ़ के पानी की कब्रिस्तानों को डुबो दिया है। जीवित लोगों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। अंजू पावित्री थिरुवुथु और उसकी सास लीलामा उड़ीसी की एक ऐसे जीवन में है जिसे उन्हें नहीं चुना है। एक ने पारिवारिक जीवन के संघर्षों को झेलते हुए इसे स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि उस जीवन शैली को बचाने के लिए तरस रही है, जबकि दूसरी में अभी भी इससे बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने की थोड़ी हिम्मत बची हुई है। वे भी सचमुच फंसे हुए बैक वाटर में एक द्वीप पर आने घर पर जिसमें बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और देश की नाव बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र साधन है। कम संवेदनाशील लेखक की हाथों में यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ से एक खलनायक को उजागर किया जा सकता है और उस पर उंगलियां उठाई जा सकती है क्योंकि अंजू और लीलमा दोनों के अपने अपने गृह क्षेत्र हैं। उलुजोकु के केंद्र में स्थिति ऐसी ताकि झाक करने वाली यूट्यूब चैनल पर इस पर नज़र रखने के लिए कूद पड़ेंगे और दोनों पक्षों के लोगों की निंदा करने वाली व्यूज़ और कमेंट्स बटोरेंगे। लेकिन नवोदित लेखक और निर्देशन क्रिस्टो टॉमी की तरह दूसरे पक्ष के लिए थोड़ी संवेदनशीलता और खुले विचारों से बहुत फर्क पड़ते हैं। भले एक निर्यान की दर्शक एक पक्ष या दूसरे पक्ष को लेता है, टॉमी ऐसी गणनाओं को बिगाड़ने के लिए थोड़ी जानकारी देते हैं। कहानी लंबे समय से दबे हुए रहस्य तक सामने आती है जब एक परिवार अपने प्रियजन की अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन बढ़ती बाढ़ के पानी के कारण इसमें देरी हो जाती है। जैसे कि वह दूसरी जिसमें लीलमा अंजू से अपनी युवावस्था के दिनों के बारे में खुलकर बात करती, जब वह एक अनिच्छुक दुल्हन थी और उसके सपने दफन हो गए थे। ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर सब कुछ दफन कर दिया था और खुद को ब्रह्म खुशी के में विश्वास दिला लिया था, जब तक कि सालों बाद उसका सम्मान अंजू से नहीं हुआ जो एक अलग तरह की दुविधा में फंस गई। उसकी ओर से यह समझ दो महिलाओं के बीच विकसित होते रिश्ते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती जो उन दर्दनाक रहस्यों से चिन्हित है जिन्हें वे एक दूसरे से छिपाती। उलुजोकु अंडरक्रंट एक ऐसी फिल्म के लिए बिल्कुल उपयुक्त सीन्स है जो अपने पत्रों की दोस्ती रहस्यमय मन से स्थितियों में करुणाकरण अपने पैर जमाती है। शुरुआती में टॉमी हमें इस रिश्ते के बीच में ले जाने की जल्दी में लिखते क्योंकि कुछ बुद्धिमानी से संपादित क्षणों में वह लक्षहीन संघर्षशील राजीव अर्जुन राधा कृष्णा के साथ अंजू के गुप्त रोमांस थम स्कूटी प्रशांत मुरली से उनकी शादी और थम स्कूटी की दुबल करने वाली बीमारी को जल्दी से जल्दी दिखाते हैं। फिर फिल्म दीवार घड़ी की आरामदायक गति पकड़ लेती है जिसे हमें अनिश्चितता और दर्द का एहसास होता है जो नीचे उबल रहा है। उड़ीसी के अलावा कोई भी व्यतीत इन असंख्य भावनाओं को उतनी अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर सकता जितने कि नियंत्रित अभिनय की उत्कृष्ट कृति में सूक्ष्म हाव भावों में
हाव भाव के उपयोग से एक विनाशकारी प्रभाव पैदा कर दे कई बार, यह हमें उसके पक्ष में खड़ा कर देता है भले ही हम उसे असहमत हो। पार्वती ने भी कुछ समय बाद मलयालम सिनेमा में वापसी करते हुए एक प्रभावी अभिनय किया। प्रशांत को अभिनय के लिए कुछ गुंजाइश मिल गई, जबकि एक झमक की सक्षम अभिनेता अर्जुन राधा कृष्णा को सीमित अवसर मिल गए। शहनाज जलाल ने फिल्म के मूड को उसकी उदासी भरी महिमा में कैद किया गया। सिख पर कुछ सुविधाजनक मोड़ लेते, खास तौर पर लीलामा का बदलाव और एक किरदार की जमीन की आर्थिक मांग और कुछ सामान्य रूप से जल्दबाजी में कही गई बातें जो पूर्व निर्धारित चरमोत्कंष तक पहुंचने के लिए, लेकिन जिस दिल के साथ सही समय पर सही भावनाओं को उभारा गया वह ऐसी छोटी छोटी बातों से पर देखने पर मजबूर कर दे। उलो झुकू के साथ क्रिस्टो टॉमी ने एक ऐसी फिल्म निर्माण के रूप में अपनी उपस्थिति की घोषणा की जिस पर नज़र रखनी चाहिए और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक और उलू झुके गए और सेन बॉर्ड के लिए ही नकारात्मक और बट नोट की अनहियर एक एस्टेन की परफॉर्मर की उलू झुको अनदेखा लेकिन अनसुना नहीं। मलयालम सिनेमा की रोमांचकारी नए रतन में स्टैन आउट कलाकार पावरेटी या उरियसी नहीं बल्कि एक गुप्त तीसरी लीड है। उलू झुको कुबलंगी नाइटस में लाई गई पंख जैसी तरलता से लेकर उनकी नीनल मुरली स्कोर के उत्साहपूर्ण रोमांच तक मलयालम सिनेमा के देशवारी सफलता में खुशहुसैन श्याम के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन दिनों भारतीय अभिनेताओं की उन भूमिकाओं के लिए प्रशंसा की जा रही है जिन्हें केवल वे ही ग्रह कर सकते हैं। पटकथा लेखक पुरुष पर सत्रित चित्रित करने के लिए खुद का पेट थपथपा रहे, दूसरी ओर फिल्म निर्देशन दर्शकों को यह समझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे कि वे अब अधिकारी में काम नहीं कर रहे, केवल हमें सैम बहादुर जैसी चीज़ें दिखाने के लिए, लेकिन वह एक अलग कहानी है। ढूंढ विश्वास अनयन और दूसरी जैसे शब्द लोकप्रिय शब्दावली में शामिल हुए, लेकिन उनका उपयोग आमतौर पर अभिनय के संदर्भ में किया जाता है। ऐसा लगता है कि कोई भी व्यतीत किसी भी व्यतीत के जटिल प्रदर्शन में योगदान देने वाले अन्य सभी फिल्म निर्माण उपकरणों को स्वीकार करने में रुचि नहीं रखती। बेशक इसके पीछे एक कारण है और हम इस पर एक मिनट में चर्चा करेंगे, लेकिन एक कलाकार नियमित रूप से मुख्य धारा की भारतीय फिल्म निर्माण की परंपराओं को चुनौती दे रहा है, जबकि रूसी रूप से सामग्री को उत्कृष्टतर तक बढ़ा रहा है जो अनैथिया नहीं पहुंच पाते। क्रिस्टो टॉमी की तरह निर्देशित नई मलयालम फिल्म उलो झुको एक क्लास टोपोवी की मनोवैज्ञानिक ड्रामा है जो दो महिलाओं के बारे में जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह की मानव निर्मित जेलों में फंसी हुई है। इसमें पावरेती थिरुवुथु और उरियसी की तरह कुछ भड़काऊ केंद्रीय प्रदर्शन है जो सदाबहार और जरूरी दोनों तरह से विषय है, लेकिन फिल्म का असली एमपीवी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह कम से कम सुनने का सीमा के भीतर सुशील श्यामों ने युग के लिए एक पृष्ठभूमि संगीत में गहरे अर्थविहित विचारों को लेते और उन्हें बल बल के साथ नहीं बल्कि एक धनुष्कार भाव के साथ होठों के कोने पर एक मुस्कान और नाक की छिद्र की एक ऐसी सिकुड़न के साथ सामने लाते हैं जिसे दिखाई देने से पहले महसूस किया जा सकता है। उनके स्कोर का प्रभाव ऐसा है कि इसे शायद फिल्म की तीसरी मुख्य भूमिका के रूप में चुना जा सकता है। यह अंजू पावरती और लीलामा उरियसी के साथ जगह के लिए संघर्ष करता है जब वे अपने मारते हुए परिवार के सदस्य के बारे में चिंता करते हुए एक जर्जर बिस्तर पर बैठी होती है। यह भी उनकी तरह सांस लेने के लिए संघर्ष करता है जब उसके मरने के बाद चीज़ें बहुत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप क्रिस्टो टॉमी की फ़ैन हो और
उलू जुकू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किस्टो टॉमिक द्वारा लिखित और निर्देशित उलू जुकू एक भावनात्मक अंतधारा पर आधारित फिल्म है जिसमें केरल में बाढ़ की सृष्टि का रूपात्मक चित्रण किया गया है। कहानी लीलमा और उनकी बहू अंजू विश्वास घर से पर देखने की सीखती है ताकि यह समझ सके कि सच्चा प्यार क्षमा और स्वीकृति है। समीक्षा उड़ीसी कितनी तारीखों से दुख देख सकती है। अभिनेत्री अपनी जबरदस्त रेंज एक और फिल्म के लिए ही उलू जुकू मूवी रिव्यू के लिए ही उलू जुकू फिल्म समीक्षा उड़ीसी का दमदार अभिनय इस भूतीय नाटक को आगे बढ़ाते हैं अपडेट किया गया। प्रकाश उड़ीसी और पार्वती थिरुवुथु की प्रभावी अभिनय के निर्देशन किस्टो टॉमी की पहली फिल्म को रहस्य गलतियों और मोशन पर एक मनोरंजन नाटक बना दिए। उलू जुकू में हर कोई किसी न किसी तरह से फंसा हुआ है यहाँ तक कि एक मृत शरीर भी कई दिनों तक दफन नहीं हो पाता है क्योंकि बाढ़ के पानी की कब्रिस्तानों को डुबो दिया है। जीवित लोगों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। अंजू पावित्री थिरुवुथु और उसकी सास लीलामा उड़ीसी की एक ऐसे जीवन में है जिसे उन्हें नहीं चुना है। एक ने पारिवारिक जीवन के संघर्षों को झेलते हुए इसे स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि उस जीवन शैली को बचाने के लिए तरस रही है जबकि दूसरी में अभी भी इसे बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने की थोड़ी हिम्मत बची हुई है। वे भी सचमुच फंसे हुए बैक वाटर में एक द्वीप पर आने घर पर जिसमें बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और देश की नाव बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र साधन है। कम संवेदनशील लेखक की हाथों में यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ से एक खलनायक को उजागर किया जा सकता है और उस पर उंगलियां उठाई जा सकती है क्योंकि अंजू और लीलमा दोनों के अपने अपने गृह क्षेत्र हैं। उलू जुकू के केंद्र में सृष्टि ऐसी ताकि झाक करने वाली यूट्यूब चैनल पर इस पर नज़र रखने के लिए कूद पड़ेंगे और दोनों पक्षों के लोगों की निंदा करने वाली व्यूज़ और कमेंट्स बटोरेंगे। लेकिन नवोदित लेखक और निर्देशन क्रिस्टो टॉमी की तरह दूसरे पक्ष के लिए थोड़ी संवेदनशीलता और खुले विचारों से बहुत फर्क पड़ता है। भले एक निर्यान की दर्शक एक पक्ष या दूसरे पक्ष को लेता है टॉमी ऐसी गणनाओं को बिगाड़ने के लिए थोड़ी जानकारी देते हैं। कहानी लंबे समय से दबे हुए रहस्य तक सामने आती है जब एक परिवार अपने प्रियजन की अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा होता है लेकिन बढ़ती बाढ़ के पानी के कारण इसमें देरी हो जाती है। जैसे कि वह दूसरी जिसमें लीलमा अंजू से अपनी युवावस्था के दिनों के बारे में खुलकर बात करती जब वह एक अनिच्छुक दुल्हन थी और उसके सपने दफन हो गए थे। ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर सब कुछ दफन कर दिया था और खुद को भ्रम खुशी के में विश्वास दिला लिया था जब तक कि सालों बाद उसका सम्मान अंजू से नहीं हुआ जो एक अलग तरह की दुविधा में फंस गई थी। उसकी ओर से यह समझ दो महिलाओं के बीच विकसित होते रिश्ते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती जो उन दर्दनाक रहस्यों से चिन्हित है जिन्हें वे एक दूसरे से छिपाती। उलू जुकू अंडरकरंट एक ऐसी फिल्म के लिए बिल्कुल उपयुक्त सीन है जो अपने पत्रों की दोस्ती रहस्यमय मन स्थितियों में करुणाकरण अपने पैर जमाती है। शुरुआती में टॉमी हमें इस रिश्ते के बीच में ले जाने की जल्दी में लिखते क्योंकि कुछ बुद्धिमानी से संपादित क्षणों में वह लक्षहीन संघर्षशील राजीव अर्जुन राधा कृष्णा के साथ अंजू के गुप्त रोमांस थम स्कूटी प्रशांत मुरली से उनकी शादी और थम स्कूटी की दुबल करने वाली बीमारी को जल्दी से जल्दी दिखाते हैं। फिर फिल्म दीवार घड़ी की आरामदायक गति पकड़ लेती है जिसे हमें अनिश्चितता और दर्द का एहसास होता है जो नीचे उबल रहा है।
उदयसी के अलावा कोई भी व्यतीत इन असंख्य भावनाओं को उतनी अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर सकता जितने कि नियंत्रित अभिनय की उत्कृष्ट कृति में सूक्ष्म हाव भावों में हाव भाव के उपयोग से एक विनाशकारी प्रभाव पैदा कर दे। कई बार यह हमें उसके पक्ष में खड़ा कर देता है भले ही हम उसे असमर्थ हो। पार्वती ने भी कुछ समय बाद मलयालम सिनेमा में वापसी करते हुए एक प्रभावी अभिनय किया। प्रशांत को अभिनय के लिए कुछ गुंजाइश मिल गई जबकि एक क्षमा की सक्षम अभिनेता अर्जुन राधा कृष्णा को सीमित अवसर मिल गए। शहनाज जलाल ने फिल्म के मूड को उसकी उदासी भरी महिमा में कैद किया गया। सिख पर कुछ सुविधाजनक मोल लेते खास तौर पर लीलामा का बदलाव और एक किरदार की जमीन की आर्थिक मांग और कुछ सामान्य रूप से जल्दबाजी में कही गई बातें जो पूर्व निर्धारित चरमोत्कंस तक पहुंचने के लिए लेकिन जिस दिल के साथ सही समय पर सही भावनाओं को उभारा गया वो ऐसी छोटी छोटी बातों से पर देखने पर मजबूर कर दे। उलू झुकू के साथ क्रिस्टो टॉमी ने एक ऐसी फिल्म निर्माण के रूप में अपनी उपस्थिति की घोषणा की जिस पर नज़र रखनी चाहिए और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक और उलू झुकू के और सेन बॉर्ड के लिए ही नकारात्मक और बटनोट की अनहियर एक एस्टेन की परफॉर्मर की उलू झुकू अनदेखा लेकिन अनसुना नहीं। मलयालम सिनेमा की रोमांचकारी नए रतन में स्टैंड आउट कलाकार पावरेटी या उड़ियसी नहीं बल्कि एक गुप्त तीसरी लीड है। उलू झुकू कुबलंगी नाइटस में लाई गई पंख जैसी तरलता से लेकर उनकी नीनल मुरली स्कूल के उत्साहपूर्ण रोमांच तक मलयालम सिनेमा के देशवारी सफलता में खुशहुसैन श्याम के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन दिनों भारतीय अभिनेताओं के उन भूमिकाओं के लिए प्रशंसा की जा रही है जिन्हें केवल वे ही की ग्रह कर सकते हैं। पटकथा लेखक पुरुष पर सत्रित चित्रित करने के लिए खुद का पेट थपथपा रहे दूसरी ओर फिल्म निर्देशन दर्शकों को यह समझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे कि वे अब अधिकारी में काम नहीं कर रहे केवल हमें सैम बहादुर जैसी चीज़ें दिखाने के लिए लेकिन वह एक अलग कहानी है। ढूंढ विश्वास अनयन और दूसरी जैसे शब्द लोकप्रिय शब्दावली में शामिल हुए लेकिन उनका उपयोग आमतौर पर अभिनय के संदर्भ में किया जाता है। ऐसा लगता है कि कोई भी व्यतीत किसी भी व्यतीत के जटिल प्रदर्शन में योगदान देने वाले अन्य सभी फिल्म निर्माण उपकरणों को स्वीकार करने में रुचि नहीं रखती बेशक इसके पीछे एक कारण है और हम इस पर एक मिनट में चर्चा करेंगे लेकिन एक कलाकार नियमित रूप से मुख्य धारा की भारतीय फिल्म निर्माण की परंपराओं को चुनौती दे रहा है जबकि रूसी रूप से सामग्री को उत्कृष्टतर तक बढ़ा रहा है जो अनैथ्य नहीं पहुँच पाते। क्रिस्टो टॉमी की तरह निर्देशित नई मलयालम फिल्म उलू झुकू एक क्लास टोपोवी की मनोवैज्ञानिक ड्रामा है जो दो महिलाओं के बारे में जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह की मानव निर्मित जेलों में फंसी हुई है। इसमें पार्वती थिरुवुथु और उड़ियसी की तरह कुछ भड़काऊ केंद्रीय प्रदर्शन है जो सदाबहार और जरूरी दोनों तरह से विषय है लेकिन फिल्म का असली एमपीवी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है या कम से कम सुनने का सीमा के भीतर सुशील श्यामो ने युग के लिए एक पृष्ठभूमि संगीत में गहरे अर्थविहित विचारों को लेते और उन्हें बल बल के साथ नहीं बल्कि एक धनुष्कार भाव के साथ होठों के कोने पर एक मुस्कान और नाक की छिंद्र की एक ऐसी सिकुड़न के साथ सामने लाते हैं जिसे दिखाई देने से पहले महसूस किया जा सकता है। उनके स्कोर का प्रभाव ऐसा है कि इसे शायद फिल्म की तीसरी मुख्य भूमिका के रूप में चुना जा सकता है। यह अंजू पावरती और लीलामा उड़ियसी के साथ जगह के लिए संघर्ष करता है जब वे अपने मारते हुए परिवार के सदस्य के बारे में चिंता करते हुए एक जर्जर बिस्तर पर बैठी होती है। यह भी उनकी तरह सांस लेने के लिए संघर्ष करता है जब उसके मरने के बाद चीज़ें बहुत
हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप किस्टो टोमी की फ़ैन हो और उलू जुकू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किस्टो टोमी की द्वारा लिखित और निर्देशित उलू जुकू एक भावनात्मक अंतधारा पर आधारित फिल्म है जिसमें केरल में बाढ़ की स्थिति का रूपात्मक चित्रण किया गया है। कहानी लीलमा और उनकी बहू अंजू विश्वास घास्ते पर देखने की सीखती है ताकि यह समझ सके कि सच्चा प्यार क्षमा और स्वीकृति है। समीक्षा और इसी कितनी तारीखों से दुख देख सकती है। अभिनेत्री अपनी जबरदस्त रेंज एक और फिल्म के लिए ही उलू जुकू मूवी रिव्यू के लिए ही उलू जुकू फिल्म समीक्षा उदयसी का दमदार अभिनय इस भूतीय नाटक को आगे बढ़ाते हैं अपडेट किया गया। प्रकाश उदयसी और पार्वती थिरुवुथु के प्रभावी अभिनय के निर्देशन किस्टो टोमी की पहली फिल्म को रहस्य गलतियों और मोशन पर एक मनोरंजन नाटक बना दिए। उलू जुकू में हर कोई किसी न किसी तरह से फंसा हुआ है, यहाँ तक कि एक मृत शरीर भी कई दिनों तक दफन नहीं हो पाता है क्योंकि बाढ़ के पानी की कब्रिस्तानों को डुबो दिया है। जीवित लोगों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। अंजू पावित्री थिरुवुथु और उसकी सास लीलामा उदयसी की एक ऐसे जीवन में है जिसे उन्हें नहीं चुना है। एक ने पारिवारिक जीवन के संघर्षों को झेलते हुए इसे स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि उस जीवन शैली को बचाने के लिए तरस रही है, जबकि दूसरी में अभी भी इससे बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने की थोड़ी हिम्मत बची हुई है। वे भी सचमुच फंसे हुए बैक वाटर में एक द्वीप पर आने घर पर जिसमें बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और देश की नाव बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र साधन है। कम संवेदनाशील लेखक की हाथों में यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ से एक खलनायक को उजागर किया जा सकता है और उस पर उंगलियां उठाई जा सकती है क्योंकि अंजू और लीलमा दोनों के अपने अपने गृह क्षेत्र हैं। उलू जुकू के केंद्र में स्थिति ऐसी ताकि झाक करने वाली YouTube चैनल पर इस पर नज़र रखने के लिए कूद पड़ेंगे और दोनों पक्षों के लोगों की निंदा करने वाली व्यूज़ और कमेंट्स बटोरेंगे। लेकिन नवोदित लेखक और निर्देशन किस्टो टोमी की तरह दूसरे पक्ष के लिए थोड़ी संवेदनशीलता और खुले विचारों से बहुत फर्क पड़ते हैं। भले एक निर्यान की दरअसल एक पक्ष या दूसरे पक्ष को लेता है, टोमी ऐसी गुनाहों को बिगाड़ने के लिए थोड़ी जानकारी देते हैं। कहानी लंबे समय से दबे हुई रहस्य तक सामने आती है जब एक परिवार अपने प्रियजन की अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन बढ़ती बाढ़ के पानी के कारण इसमें देरी हो जाती है। जैसे कि वह दूसरी जिसमें लीलमा अंजू से अपनी युवावस्था के दिनों के बारे में खुलकर बात करती, जब वह एक अनिच्छुक दुल्हन थी और उसके सपने दफन हो गए थे। ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर सब कुछ दफन कर दिया था और खुद को भ्रम खुशी के में विश्वास दिला लिया था, जब तक कि सालों बाद उसका सम्मान अंजू से नहीं हुआ जो एक अलग तरह की दुविधा में फंस गई थी। उसकी ओर से यह समझ दो महिलाओं के बीच विकसित होते रिश्ते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती जो उन दर्दनाक रहस्यों से चिन्हित है जिन्हें वे एक दूसरे से छिपाती। उलू जुकू अंडरक्रंट एक ऐसी फिल्म के लिए बिल्कुल उपयुक्त सेंस है जो अपने पत्रों की दोस्ती रहस्यमय मन से स्थितियों में करुणाकरण अपने पैर जमाती है। शुरुआती में टोमी हमें इस स्थिति के बीच में ले जाने की जल्दी में लिखते क्योंकि कुछ बुद्धिमाने से संपादित क्षणों में वल लक्ष्य संघर्षशील राजीव अर्जुन राधा कृष्णा के साथ अंजू के गुप्त रोमांस थम सकूटी प्रशांत मुरली से उनकी शादी और
थम स्कूटी की दुबल करने वाली बीमारी को जल्दी से जल्दी दिखाते हैं। फिर फिल्म दीवार घड़ी की आरामदायक गति पकड़ लेती है, जिससे हमें अनिश्चितता और दर्द का एहसास होता है जो नीचे उबल रहे हैं। उर्यशी के अलावा कोई भी व्यतीत इन असंख्य भावनाओं को उतनी अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर सकता जितनी कि नियंत्रित अभिनय की उत्कृष्ट कृति में सूक्ष्म हाव भावों में हाव भाव के उपयोग से एक विनाशकारी प्रभाव पैदा कर दे। कई बार यह हमें उसके पक्ष में खड़ा कर देता है भले ही हम उसे असमर्थ हो। पार्वती ने भी कुछ समय बाद मलयालम सिनेमा में वापसी करते हुए एक प्रभावी अभिनय किया। प्रशांत को अभिनय के लिए कुछ गुंजाइश मिल गई, जबकि एक झमक की सक्षम अभिनेता अर्जुन राधा कृष्णा को सीमित अवसर मिल गए। शहनाज जलाल ने फिल्म के मूड को उसकी उदासी भरी महिमा में कैद किया गया। सिख पर कुछ सुविधाजनक मोड़ लेती है, खास तौर पर लीलामा का बदलाव और एक किरदार की जमीन की आर्थिक मांग और कुछ सामान्य रूप से जल्दबाजी में कही गई बातें जो पूर्व निर्धारित चरमोत्कर्ष तक पहुंचने के लिए लेकिन जिस दिल के साथ सही समय पर सही भावनाओं को उभारा गया वो ऐसी छोटी छोटी बातों से पर देखने पर मजबूर कर दे। उलू झुकू के साथ क्रिस्टो टॉमी ने एक ऐसी फिल्म निर्माण के रूप में अपनी उपस्थिति की घोषणा की जिस पर नज़र रखनी चाहिए और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक और उलू झुके के और सेन बॉर्ड के लिए ही नकारात्मक और बट नोट की अनहियर एक एस्टेन की परफॉर्मर की पुलुस धुकु अनदेखा लेकिन अनसुना नहीं। मलयालम सिनेमा की रोमांचकारी नए रतन में स्टैंड आउट कलाकार पावरेटी या उर्यशी नहीं बल्कि एक गुप्त तीसरी लीड है। पुलुस धुकु कुबलंगी नाइटस में लाई गई पंख जैसी तरलता से लेकर उनकी नीनल मुरली स्कूर के उत्साहपूर्ण रोमांच तक मलयालम सिनेमा के देशवारी सफलता में खुशहुसैन श्याम के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन दिनों भारतीय अभिनेताओं की उन भूमिकाओं के लिए प्रशंसा की जा रही है जिन्हें केवल वे ही ग्रह कर सकते हैं। पटकथा लेखक क्रूज पर सत्रित चित्रित करने के लिए खुद का पेट थपथपा रहे, दूसरी ओर फिल्म निर्देशन दर्शकों को यह समझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे कि वे अब अधिकारी में काम नहीं कर रहे, केवल हमें सैम बहादुर जैसी चीज़ें दिखाने के लिए, लेकिन वह एक अलग कहानी है। ढूंढ विश्वास अनयन और दूसरी जैसे शब्द लोकप्रिय शब्दावली में शामिल हुए, लेकिन उनका उपयोग आमतौर पर अभिनय के संदर्भ में किया जाता है। ऐसा लगता है कि कोई भी व्यतीत किसी भी व्यतीत के जटिल प्रदर्शन में योगदान देने वाले अन्य सभी फिल्म निर्माण उपकरणों को स्वीकार करने में रुचि नहीं रखती। बेशक इसके पीछे एक कारण है और हम इस पर एक मिनट में चर्चा करेंगे, लेकिन एक कलाकार नियमित रूप से मुख्य धारा की भारतीय फिल्म निर्माण की परंपराओं को चुनौती दे रहा है, जबकि रूसी रूप से सामग्री को उत्कृष्टतर तक बढ़ा रहा है जो अनैथिया नहीं पहुंच पाते। क्रिस्टो टॉमी की तरह निर्देशित नई मलयालम फिल्म उलोजुको एक क्लास टोपोबी की मनोवैज्ञानिक ड्रामा है जो दो महिलाओं के बारे में जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह की मानव निर्मित जेलों में फंसी हुई है। इसमें पार्वती थिरुवुथु और उर्यशी की तरह कुछ भड़काऊ केंद्रीय प्रदर्शन है जो सदाबहार और जरूरी दोनों तरह से विषय है, लेकिन फिल्म का असली एमपीवी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है या कम से कम शून्य का सीमा के भीतर सुशील श्यामों ने युग के लिए एक पृष्ठभूमि संगीत में गहरे अर्थविहीन विचारों को लेते और उन्हें बल बल के साथ नहीं बल्कि एक धनुष्कार भाव के साथ होठों के कोने पर एक मुस्कान और नाक की छिंद्र की एक ऐसी सिकुड़न के साथ सामने लाते हैं जिसे
दिखाई देने से पहले महसूस किया जा सकता है। उनके स्कोर का प्रभाव ऐसा है कि इसे सहायक फिल्म की तीसरी मुख्य भूमिका के रूप में चुना जा सकता है। यह अंजू पावरती और लीलामा उरियसी के साथ जगह के लिए संघर्ष करते हैं। जब वे अपने मारते हुए परिवार के सदस्य के बारे में चिंता करते हुए एक जर्जर बिस्तर पर बैठी होती है, यह भी उनकी तरह सांस लेने के लिए संघर्ष करता है। जब उसके मरने के बाद चीज़ें बहुत हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप किस्टो टोमी की फ़ैन हो और टुलु जुकु मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किस्टो टोमी के द्वारा लिखित और निर्देशित टुलु जुकु एक भावनात्मक अंतधारा पर आधारित फिल्म है जिसने केरल में बाढ़ की स्थिति का रूपात्मक चित्रण किया गया है। कहानी लीलामा और उनकी बहू अंजू विश्वास घास्ते पर देखने की शक्ति है ताकि यह समझ सके कि सच्चा प्यार क्षमा और स्वीकृति है। समीक्षा उरिसी कितनी तारीखों से दुख देख सकती है। अभिनेत्री अपने जबरदस्त रेंज एक और फिल्म के लिए ही टुलु जुकु मूवी रिव्यू के लिए ही टुलु जुकु फिल्म समीक्षा उरिसी का दमदार अभिनय इस भूतीय नाटक को आगे बढ़ाते हैं अपडेट किया गया। प्रकाश उरियसी और पावती थिरुवुथु के प्रभावी अभिनय के निर्देशन किस्टो टोमी की पहली फिल्म को रहस्य गलतियों और मोशन पर एक मनोरंजन नाटक बना दिए। टुलु जुकु में हर कोई किसी न किसी तरह से फंसा हुआ है, यहाँ तक कि एक मृत शरीर भी कई दिनों तक दफन नहीं हो पाता है क्योंकि बाढ़ के पानी की कब्रिस्तानों को डुबो दिया है। जीवित लोगों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। अंजू पावरती थिरुवुथु और उसकी सास लीलामा उरियसी की एक ऐसी जीवन में है जिसे उन्हें नहीं चुना है। एक ने पारिवारिक जीवन के संघर्षों को झेलते हुए इसे स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि उस जीवन शैली को बचाने के लिए तरस रही है, जबकि दूसरी में अभी भी इसे बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने की थोड़ी हिम्मत बची हुई है। वे भी सचमुच फंसे हुए बैक वाटर में एक द्वीप पर आने घर पर जिसमें बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और देश की नाव बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र साधन है। कम संवेदनाशील लेखक के हाथों में यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ से एक खलनायक को उजागर किया जा सकता है और उस पर उंगलियां उठाई जा सकती है क्योंकि अंजू और लीलामा दोनों के अपने अपने गृह क्षेत्र हैं। टुलु जुकु के केंद्र में स्थिति ऐसी ताकि झाग करने वाली यूट्यूब चैनल पर इस पर नज़र रखने के लिए कूद पड़ेंगे और दोनों पक्षों के लोगों की निंदा करने वाली व्यूज़ और कमेंट्स बटोरेंगे। लेकिन नवोदित लेखक और निर्देशन क्रिस्टो टोमी की तरह दूसरे पक्ष के लिए थोड़ी संवेदनशीलता और खुले विचारों से बहुत फर्क पड़ता है। भले एक निर्यान की दरअसल एक पक्ष या दूसरे पक्ष को लेता है, टोमी ऐसी गुनाहों को बिगाड़ने के लिए थोड़ी जानकारी देते हैं। कहानी लंबे समय से दबे हुए रहस्य तक सामने आती है जब एक परिवार अपने प्रियजन की अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन बढ़ती बाढ़ के पानी के कारण इसमें देरी हो जाती है। जैसे कि वह दूसरी जिसमें लीलामा अंजू से अपनी युवावस्था के दिनों के बारे में खुलकर बात करती, जब वह एक अनिच्छुक दुल्हन थी और उसके सपने दफन हो गए थे। ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर सब कुछ दफन कर दिया था और खुद को भ्रम खुशी के में विश्वास दिला लिया था, जब तक कि सालों बाद उसका सम्मान अंजू से नहीं हुआ जो एक अलग तरह की दुविधा में फंस गई। उसकी ओर से यह समझ दो महिलाओं के बीच विकसित होते रिश्ते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती जो उन दर्दनाक रहस्यों से चिन्हित है जिन्हें वे एक दूसरे से छिपाती।
उलू जोको अंडरक्रंट एक ऐसी फिल्म के लिए बिल्कुल उपयुक्त सीन्स है जो अपने पत्रों की दोस्ती रहस्यमय मन से स्थितियों में करुणा करण अपने पैर जमाती है। शुरुआती में टॉमी हमें इस रिश्ते के बीच में ले जाने की जल्दी में लिखते क्योंकि कुछ बुद्धिमानी से संपादित क्षणों में वह लक्ष्यहीन संघर्षशील राजीव अर्जुन राधा कृष्णा के साथ अंजू के गुप्त रोमांस थम स्कूटी प्रशांत मुरली से उनकी शादी और थम स्कूटी की दुबल करने वाली बीमारी को जल्दी से जल्दी दिखाते हैं। फिर फिल्म दीवार घड़ी की आरामदायक गति पकड़ लेती है जिसे हमें अनिश्चितता और दर्द का एहसास होता है जो नीचे उबल रहा है। उर्यशी के अलावा कोई भी व्यतीत इन असंख्य भावनाओं को उतनी अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर सकता जितने कि नियंत्रित अभिनय की उत्कृष्ट कृति में सूक्ष्म हाव भावों में हाव भाव के उपयोग से एक विनाशकारी प्रभाव पैदा कर दे। कई बार यह हमें उसके पक्ष में खड़ा कर देता है भले ही हम उसे असहमत हो। पार्वती ने भी कुछ समय बाद मलयालम सिनेमा में वापसी करते हुए एक प्रभावी अभिनय किया। प्रशांत को अभिनय के लिए कुछ गुंजाइश मिल गई जबकि एक क्षमक की सक्षम अभिनेता अर्जुन राधा कृष्णा को सीमित अवसर मिल गए। शहनाज जलाल ने फिल्म के मूड को उसकी उदासी भरी महिमा में कैद किया गया सिर पर कुछ सुविधाजनक मोड़ लेती है खास तौर पर लीलामा का बदलाव और एक किरदार की जमीन की आर्थिक मांग और कुछ सामान्य रूप से जल्दबाजी में कही गई बातें जो पूर्व निर्धारित चरमोत्कंश तक पहुंचने के लिए लेकिन जिस दिल के साथ सही समय पर सही भावनाओं को उभारा गया वो ऐसी छोटी छोटी बातों से पर देखने पर मजबूर कर दे। उलू झुकू के साथ क्रिस्टो टॉमी ने एक ऐसी फिल्म निर्माण के रूप में अपनी उपस्थिति की घोषणा की जिस पर नज़र रखनी चाहिए और समीक्षकों के लिए ही नकारात्मक और उलू झुके गए और सेन बॉर्ड के लिए ही नकारात्मक और बट नोट की अनहियर एक एस्टेन की परफॉर्मर की उलू झुकू अनदेखा लेकिन अनसुना नहीं। मलयालम सिनेमा की रोमांचकारी नए रतन में स्टैंड आउट कलाकार पावरेटी या उर्यशी नहीं बल्कि एक गुप्त तीसरी लीड है। उलू झुकू कुबलंगी नाइटस में लाई गई पंख जैसी तरलता से लेकर उनकी नीनल मुरली स्कोर के उत्साहपूर्ण रोमांस तक मलयालम सिनेमा के देशवारी सफलता में खुशहुसैन श्याम के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन दिनों भारतीय अभिनेताओं के उन भूमिकाओं के लिए प्रशंसा की जा रही है जिन्हें केवल वे ही ग्रह कर सकते हैं। पटकथा लेखक पुरुष पर सत्रित चित्रित करने के लिए खुद का पेट थपथपा रहे दूसरी ओर फिल्म निर्देशन दर्शकों को यह समझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे कि वे अबाधिकारी में काम नहीं कर रहे केवल हमें सैम बहादुर जैसी चीज़ें दिखाने के लिए लेकिन वह एक अलग कहानी है। ढूंढ विश्वास अनयन और दूसरी जैसे शब्द लोकप्रिय शब्दावली में शामिल हुए लेकिन उनका उपयोग आमतौर पर अभिनय के संदर्भ में किया जाता है। ऐसा लगता है कि कोई भी व्यतीत किसी भी व्यतीत के जटिल प्रदर्शन में योगदान देने वाले अन्य सभी फिल्म निर्माण उपकरणों को स्वीकार करने में रुचि नहीं रखती बेशक इसके पीछे एक कारण है और हम इस पर एक मिनट में चर्चा करेंगे लेकिन एक कलाकार नियमित रूप से मुख्य धारा की भारतीय फिल्म निर्माण की परंपराओं को चुनौती दे रहा है जबकि रूसी रूप से सामग्री को उत्कृष्टतर तक बढ़ा रहा है जो अनैथिया नहीं पहुँच पाते। क्रिस्टो टॉमी की तरह निर्देशित नई मलयालम फिल्म उलू झुकू एक क्लास टोकोबी की मनोवैज्ञानिक ड्रामा है जो दो महिलाओं के बारे में जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह की मानव निर्मित जेलों में फंसी हुई है। इसमें पार्वती थिरुवुथु और उर्यशी की तरह कुछ भड़काऊ क्रेंदी प्रदर्शन है
जो सदाबहार और जरूरी दोनों तरह से विषय है, लेकिन फिल्म का असली एमपीवी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, या कम से कम सुनने का सीमा के भीतर सुशील श्यामो ने युग के लिए एक पृष्ठभूमि संगीत में गहरे अर्थविहित विचारों को लेते और उन्हें बल बल के साथ नहीं बल्कि एक धनुष्कार भाव के साथ होठों के कोने पर एक मुस्कान और नाक की चिंद्र की एक ऐसे सिकुड़न के साथ सामने लाते हैं जिसे दिखाई देने से पहले महसूस किया जा सकता है। उनके स्कोर का प्रभाव ऐसा है कि इसे शायद फिल्म की तीसरी मुख्य भूमिका के रूप में चुना जा सकता है। यह अंजू पावरती और लीलामा उरियसी के साथ जगह के लिए संघर्ष करता है, जब वे अपने मारते हुए परिवार के सदस्य के बारे में चिंता करते हुए एक जर्जर बिस्तर पर बैठी होती है। यह भी उनकी तरह सांस लेने के लिए संघर्ष करता है जब उसके मरने के बाद चीज़ें बहुत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप किस्टो टोमी की फ़ैन हो और उलू जुकू मूवी को देखना पसंद करते हो और साथ ही साथ इस मूवी को बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को जानना चाहते हो तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नाम भी ना भूलिएगा। किस्टो टॉमी की द्वारा लिखित और निर्देशित उलू जुकू एक भावनात्मक अंतधारा पर आधारित फिल्म है जिसमें केरल में बाढ़ की स्थिति का रूपात्मक चित्रण किया गया है। कहानी लीलामा और उनकी बहू अंजू विश्वास घास्ते पर देखने की सीखती है ताकि यह समझ सके कि सच्चा प्यार क्षमा और स्वीकृति है। समीक्षा उड़ीसी कितनी तारीखों से दुख दिख सकती है। अभिनेत्री अपनी जबरदस्त रेंज एक और फिल्म के लिए ही उलू जुकू मूवी रिव्यू के लिए ही उलू जुकू फिल्म समीक्षा उड़ीसी का दमदार अभिनय इस भूतीय नाटक को आगे बढ़ाते हैं अपडेट किया गया। प्रकाश उड़ीसी और पावती थिरुवोतु के प्रभावी अभिनय के निर्देशन किस्टो टॉमी की पहली फिल्म को रहस्य गलतियों और मोशन पर एक मनोरंजन नाटक बना दिए। उलू जुकू में हर कोई किसी न किसी तरह से फंसा हुआ है, यहाँ तक कि एक मृत शरीर भी कई दिनों तक दफन नहीं हो पाता है क्योंकि बाढ़ के पानी की कब्रिस्तानों को डुबो दिया है। जीवित लोगों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। अंजू पावरती थिरुवोतु और उसकी सास लीलामा उड़ीसी की एक ऐसे जीवन में है जिसे उन्हें नहीं चुना है। एक ने पारिवारिक जीवन के संघर्षों को झेलते हुए इसे स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि उस जीवन शैली को बचाने के लिए तरस रही है, जबकि दूसरी में अभी भी इसे बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने की थोड़ी हिम्मत बची हुई है। वे भी सचमुच फंसे हुए बैक वाटर में एक द्वीप पर आने घर पर जिसमें बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और देश की नाव बाहरी दुनिया से जुड़ने का एकमात्र साधन है। कम संवेदनाशील लेखक के हाथों में यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ से एक खलनायक को उजागर किया जा सकता है और उस पर उंगलियां उठाई जा सकती है क्योंकि अंजू और लीलामा दोनों के अपने अपने गृह क्षेत्र हैं। उलू जुकू के केंद्र में स्थिति ऐसी ताकि झाग करने वाली यूट्यूब चैनल पर इस पर नज़र रखने के लिए कूद पड़ेंगे और दोनों पक्षों के लोगों की निंदा करने वाली व्यूज़ और कमेंट्स बटोरेंगे। लेकिन नवोदित लेखक और निर्देशन क्रिस्टो टॉमी की तरह दूसरे पक्ष के लिए थोड़ी संवेदनशीलता और खुले विचारों से बहुत फर्क पड़ता है। भले एक निर्यान की दर्शक एक पक्ष या दूसरे पक्ष को लेता है, टॉमी ऐसी गुनाहों को बिगाड़ने के लिए थोड़ी जानकारी देते हैं। कहानी लंबे समय से दबे हुए रहस्य तक सामने आती है जब एक परिवार अपने प्रियजन की अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन बढ़ती बाढ़ के पानी के कारण इसमें देरी हो जाती है। जैसे कि वह दूसरी जिसमें लीलामा अंजू से अपनी युवावस्था के दिनों के बारे में खुलकर बात करती, जब वह एक अनिच्छुक दुल्हन थी और उसके सपने दफन हो गए थे। ऐसा लगता है कि उसने जानबूझकर सब कुछ दफन कर दिया था
और खुद को ब्रह्म खुशी के में विश्वास दिला लिया था, जब तक कि सालों बाद उसका सम्मान अंजू से नहीं हुआ, जो एक अलग तरह की दुविधा में फंस गई थी। उसकी ओर से यह समझ दो महिलाओं के बीच विकसित होते रिश्ते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, जो उन दर्दनाक रहस्यों से चिन्हित है जिन्हें वे एक दूसरे से छिपाती। उलू झोंको अंडरक्रंट एक ऐसी फिल्म के लिए बिल्कुल उपयुक्त सीन है, जो अपने पत्रों की दोस्ती रहस्यमय मन से स्थितियों में करुणाकरण अपने पैर जमाती है। शुरुआती में टॉमी हमें इस रिश्ते के बीच में ले जाने की जल्दी में देखते, क्योंकि कुछ बुद्धिमानी से संपादित क्षणों में वह लक्ष्यहीन संघर्षशील राजीव अर्जुन राधा कृष्णा के साथ अंजू के गुप्त रोमांस थम्सकूटी प्रशांत मुरली से उनकी शादी और थम्सकूटी की दुबल करने वाली बीमारी को जल्दी से जल्दी दिखाते हैं। फिर फिल्म दीवार घड़ी की आरामदायक गति पकड़ लेती है, जिसे हमें अनिश्चितता और दर्द का एहसास होता है जो नीचे उबल रहे हैं। उर्यशी के अलावा कोई भी व्यतीत इन असंख्य भावनाओं को उतनी अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर सकता, जितने कि नियंत्रित अभिनय की उत्कृष्ट कृति में सूक्ष्म हाव भावों में हाव भाव के उपयोग से एक विनाशकारी प्रभाव पैदा कर दे। कई बार यह हमें उसके पक्ष में खड़ा कर देता है, भले ही हम उसे असमर्थ हो। पार्वती ने भी कुछ